क्या आपको अभी भी एग्जाम से डर लगता है? दिन जो ये दिन बचा हुआ है इसमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, वैसा मत पढ़िए बाबू, वैसा पढ़ने वाले अक्सर लड़के फेल कर जाते हैं, वैसा मत पढ़िए। बस एक वीडियो का तैयारी से पहले तैयारी, तैयारी से पहले एक बार और तैयारी कर लीजिए, हर एक वीडियो का मैराथन देख लीजिए। आपको हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी का 4 घंटा में पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट, 3 घंटा में पूरा हिस्ट्री, 1 घंटा में आपका सिविक्स और 1 घंटा में इकोनॉमिक्स पूरा मैराथन के माध्यम से कंटेंट कंप्लीट कर दिए और उसका ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। एक बार देख लीजिए, उसका झंझट खत्म एक बार, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ज्ञापन एकेडमी टेलीग्राम पर। अब रही बात मैथ का कि पता नहीं सर मैथ में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा, कितना अच्छा रहता कि 2-4 क्वेश्चन हम लोग जान जाते हैं, ठीक है कुछ क्वेश्चन हमको कोई बता देता कि यही आएगा। इस बार कुछ ऐसे ही राज की बातें बता रहे हैं, कुछ ऐसे ही करने वाले हैं हम, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हर लेसन में जो जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, आप मेरा पहला वीडियो जा करके देखिए, मात्र 5 क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव कराते हैं, यानी 5 नंबर वाला, जिसमें डायरेक्ट 3 क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, तो ये प्लानिंग के साथ किया गया था। तो इस वीडियो के बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी के पास पहुंचे। हम एक एक लेसन से यानी कि 1 से लेकर 15 तक के पूरे लेसन में, एक लेसन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो चीजें, फिर उसका ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव, एक लेसन में क्या पूछ सकता है 2 नंबर और 5 नंबर वाले में, वो चीजें हम लोग आराम से देखेंगे, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम करीब है, आराम से बैठ जाइए, एकदम चद्दर ओढ़ लीजिए और इसको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहां देखिए पहला टॉपिक का ही नाम है लेसन का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हर बार एक चीज पूछता है, अभाज्य गुणनखंड 156 यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में। अब कहिएगा सर ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य एक संख्या होता है। अब कहिएगा ये कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे उसको अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ का मतलब नहीं है बड़ा रूढ़ आदमी है जी, रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो किसी का बात नहीं सुने, सिर्फ अपना बात सुने और अपने माता पिता का बात सुने, ऐसे व्यक्ति को रूढ़ या अभाज्य कहा जाता है। तो आप देखिए थोड़ा, दो भी एक ऋण है, सिर्फ अपना बात सुनेगा यानी 2 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा, ये दुई को पहाड़ा में आता है और किसी पहाड़ा में नहीं आता है। 3 को देखिए, 1 खुद अपने पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा। तो ऐसी संख्या जो 1 के टेबल में तो सब आ जाता है, 1 के टेबल में आए और अपने भी टेबल में आए, उसी को कहते हैं अभाज्य। 9 नहीं होगा क्योंकि ये 1 में भी आता है, अपने में भी आता है और 3 में भी आता है, तो ये वाला नहीं होगा। तो ऐसे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसी को ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 156 को तोड़िए, गुणनखंड माने होता है कि गुणा में खंड खंड कीजिए, तोड़िए, और तोड़ने के बाद उसमें कितना बार 2 आ रहा है, 2 का घात का मतलब होता है 2 कितना बार आया, ठीक है। तो जब आप इसको तोड़िएगा बाबू ऐसे, मतलब 156 को तो यहां ऐसे तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 7 14, इसमें 1 जाएगा 2 8 16, फिर 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 3 6, और यहां हो जाएगा तो 2 9 18, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से तोड़िए, 3 1 3 3 3 9, अब ये 13 से डायरेक्ट कटेगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि इस जब आप 156 को आपने क्या कर दिया, गुणनखंड यानी गुणा में खंड कर दिया, गुणा में ऐसे लिखते हैं ना 2 2 3 13, ऐसे करते हैं आप, इतना तो आप करते हैं। मैंने इस 156 को गुणा में खंड कर दिया, इसी को गुणनखंड कहते हैं। अब पूछ रहा है कि 2 का घात यानी 2 का बार है, 2 का पावर 2 यानी घात 2 ही गुना है, तो जितना बार 2 होगा उसका आंसर, तो 2 का घात 2 बार है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये आपको समझ में आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से समझाएंगे। अब आपसे हम बोले कि 1 से लेकर 10 तक संख्या, आपको देखिए ये भले ही इतना ही क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताएंगे हम। 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करते कर 4 5 ऐसे करते करते हम 10 तक लिख दिए। अब इसमें हम आपसे पूछे कि वही रूढ़ बताइए, सबसे पहला रूढ़ कौन होगा, उसको छोटा भी कह सकते हैं, सबसे छोटा रूढ़ संख्या, रूढ़ को अभाज्य भी कहते हैं। भाज्य अभाज्य में बड़ा डाउट आता है, अभाज्य अभाज्य किसे कहते हैं? जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुने, 1 खुद का और 1 1 का, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 1 से ही सिर्फ कटता है, ये हो जाएगा 1 से कटेगा, 2 से खुद अपने से कटेगा, ये भी हो जाएगा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो सबसे छोटा अभाज्य कौन है? 2 है, यही ना हो जाएगा? तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहां देखिए,
अब बात करते हैं दूसरा, इनमें से कौन आज बता दीजिए आराम से, निम्नलिखित में कौन रूढ़ संख्या है। रूढ़ माने समझते हो ना, वही जो दो आदमी का बात सुने। तो चार तो होगा नहीं, चार दो आदमी का बात नहीं सुनता है, दो दो आदमी का बात सुनता है, इसीलिए दो एक रूढ़ या अभाज्य संख्या है। नौ भी नहीं होगा, ये तीन आदमी का बात सुन सकता है, ये भी दो आदमी से ज्यादा का बात, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लड़का जानते हैं, पूर्णांक देख करके छोड़ देगा कि पता नहीं क्या होगा, ये पूर्णांक पूर्णांक वाला नहीं आता है। आपको देखिए पूरा 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 में 100 नहीं बनाना है, लेकिन ऐसा हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि 100 में 100 आपको आएगा, आप आराम से बनाइएगा, 50 में 50 इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में तो हम ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, ताकि डायरेक्ट आपका वही यहां जो पढ़िएगा डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा, अरे यार यही क्वेश्चन सर आ गया। और थैंक यू लिख के जरूर जाइएगा। यहां देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक माने होता है प्लस वाला, अब पूर्णांक माने होता है पूरांक। जैसे मान लीजिए कि आप एक दो लिखते हैं, एक दो तीन चार, माइनस में भी लिख दीजिए, एक जीरो एक दो तीन चार, तो ये सब पूर्णांक है, माने पूरा पूरा अंक है। बताइए 2.3 पूरा है, पूरा नहीं है, दो से थोड़ा ज्यादा हो गया है तो ये पूरा नहीं होता है। तो जो पूरा नहीं, जो पूरा होता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। ये पूरा है, चार पूरा है, लेकिन 4.1 में तनी मनी बढ़ गया है ना, तो ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांक इसी को कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि पूर्णांक लीजिए, लेकिन कौन प्लस वाला, तो धनात्मक पूर्णांक ये वाला लेना है। अब समझ में आया, पूर्णांक कोई भी लिख सकते हैं, क्यू है धनात्मक पूर्णांक, क्या है क्यू है, यानी क्यू का मान कोई भी नंबर भरिए तो विषम आना चाहिए। ट्रिक देखिए चुटकियों में, यहां देखिए इसमें विषम आना चाहिए ना, इसमें देख लीजिए विषम कौन है, आंसर मार दीजिए। यहां देखिए तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो के पहाड़ा में नहीं आए, तो दो के पहाड़ा में नहीं, यानी दो से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं विषम। नहीं तो ट्रिक भी बता दें, विषम एक होता है सम संख्या, तो जिस नंबर का जोड़ा लग जाए, क्या लग जाए, इसका जोड़ा लग रहा है ना एक दो, तो दो का जोड़ा लगता है ना एक अनगो, लेकिन एक दो तीन गो से लिखा गया तो तीन का जोड़ा नहीं लगता है, तो जिसका जोड़ा लग जाए उसे सम और जिसका जोड़ा नहीं लगे उसे विषम कहते हैं। तो यहां देखिए तो यहीं से पहचान सकते हैं, एक का जोड़ा लगता है नहीं, इसलिए विषम है, विषम की बात बोला है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंपल। और नहीं तो कोई भी पूर्णांक क्यू के जगह भरिए, कोई भी नंबर भरिए, कोई भी भरिएगा और जोड़िएगा ना तो विषम ही आएगा। जैसे मान लीजिए क्यू का मान हम दो रखते हैं और आगे छः है, तो दो छक 12 और एक 13, 13 विषम है ना, क्योंकि 13 का जोड़ा नहीं लगता है। कुछ भी भरिएगा यहाँ पे ना बाबू क्यू के जगह, क्योंकि कोई भी पूर्णांक भरना है प्लस वाला तो क्या होगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मतलब जब भी आएगा वो विषम आएगा। उसी तरह यहाँ वही चीज कह रहे हैं, असम बोल रहा है, तो सिंपल जिसका जोड़ा क्या हो जाए लग जाए, तो यहाँ देखिए तो धनात्मक पूर्ण में प्रत्येक सम है, तो ये वाला सम हो जाएगा। ये कुछ भी भर के देखिए ना, पी का मान कुछ भी भरिए और ये दो सम की तरह दिख भी रहा है, तो ये वाला आपका सम हो जाएगा सिंपल। ये पी का मान भरिए एक, तो एक में दो से गुणा, दो दो एक सम संख्या है। पी का मान 10 भरिए, 10 दो ना 20 सम संख्या है। और ये देखिए ना 2011-12 और बोर्ड मंडल भी है, कई बार पूछा गया है ये। उसके बाद से ये क्वेश्चन बाबू बार बार पूछता है, सुनो आप तो जानते हैं बाबू कि पाई का मान 22/7 होता है। अब सुनिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय, परिमेय का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसे बट्टा में लिख सके उसे परिमेय कहते हैं। तो बताइए ये बट्टा में है तो ये परिमेय है, क्या है ये, कौन सी संख्या परिमेय, क्या ये परिमेय है, तो कहेगा सर ये तो बट्टा में नहीं है। नहीं बाबू ये भी बट्टा में है, हर इंसान के नीचे एक छिपा रहता है, तभी तो पता चलता है कि दो को लिखा है, एक बार लिखा है, ठीक है। आपके नीचे एक छिपा है, आपके नीचे अगर दो लगा दे तो आपको दो हिस्सा काटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी बट्टा में लिखा गया, इसी को क्या कहते हैं परिमेय। तो यहाँ देखिए पाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे बट्टा में लिख सकते हैं, तो ये बट्टा में दिख रहा है इसीलिए ये परिमेय होगा, लेकिन ये परिमेय नहीं है। पाई अगर देख लीजिएगा कहीं भी बैठ के, सर ये परिमेय नहीं है, बहुत खराब आदमी है भाई, ये परिमेय नहीं है। तो पाई वाला जितना भी होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा बाबू, अपरिमेय होगा। अब देखिए दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है, सिंपल माने कितनों हो सकता है। जैसे हम आपसे बोलें कि 3 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो मत कहिए सर 3 और 4 के बीच में एक ही कोनो संख्या है परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे भी बट्टा एक होता है। नहीं बाबू 3 और 4 के बीच में करोड़ों है। क्यों 3 और 4 के बीच में, सॉरी 3 और 5 के बीच में या 3 और 4 के बीच में, कैसे 3.1 इसके बीच में नहीं आ सकता है, ये भी एक परिमेय है, इसको भी बट्टा में लिख सकते हैं। 3.1 पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 से हटाइएगा, 31 बट्टा क्या आ गया 10, ठीक है पॉइंट हटाने के बाद, तो ये बट्टा में लिखा रहा है कि नहीं।
तो दो संख्याओं के बीच में करोड़ों हो सकता है, यानी अनंत हो सकता है परिमेय संख्या। ठीक है, सात नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब देखो, परिमेय संख्या जो बटा में लिखा जाए, अपरिमेय का मतलब होता है जो रूट में हो, किसमें हो, रूट में हो उसे भी अपरिमेय, या फिर पॉइंट के बाद ऐसे पॉइंट होता है ना, कुछ कुछ नंबर आए एक जैसा नहीं है, इसे भी अपरिमेय कहते हैं। ऐसे दो, या कभी कभी एक और अपरिमेय लिखता है, पूछता है कि ये क्या है, ऐसे दे देगा दो एक दो दो एक दो 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 एक, ऐसे करके दे देता है। ठीक है, बहुत दूर तक दे देता है। अब पूछ देगा ये कौन सी संख्या है, तो बताओ ये कभी खत्म हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, आप पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर भी आ रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो रूट वाला ये भी अगर खत्म नहीं हुआ तो ये भी परिमेय है, अपरिमेय है, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यानी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय यानी बट्टा वाला होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, रूट में है तो पहले तो ये नहीं होगा, ये भी रूट में है नहीं होगा, ये भी रूट में ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये रूट में नहीं है, भले रूट आपको दिख रहा होगा। अब कहिएगा सर ये क्यों नहीं है, 12 को थोड़ा तोड़ के देखिए, रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए, जब आप 12 को तोड़िएगा 12 को दो से, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका कितना 3 1, यानी जब रूट 12 था, रूट 12 है ना, इसको जब हम तोड़े तो 2 2 3 आया, 2 2 3 आया। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे है आपका रूट 3। ध्यान से देखिएगा, 12 के जगह हम ये लिख दिए, रूट 3 उतार दिए। अब बताइए रूट से बाहर कौन निकलता है, जो नंबर जोड़ा में रहेगा, जो नंबर का रहेगा जोड़ा में, तो वो उसमें का एक नंबर बाहर निकल जाता है और एक नंबर बर्बाद हो जाता है इस रूट को हटाने में। पता है दू का कहता है, इस दू से कहता है कि देख दोस्त, हम लोग दोनों आदमी मिल के जा रहे हैं इस बाहर निकलने, हम लड़ेंगे इससे, बर्बाद हो जाएगा तब तक तू भाग जाना। तो जो भी दू को एक के जैसा रहेगा तो एक वो बाहर आ जाता है, दो तीन तो जोड़ा नहीं है तो अंदर रह जाएगा। नीचे का है रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया, सिर्फ का बचा दो, और दो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टा में इसे लिखा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब, अब देखो ट्रिक से याद रखेगा नहीं तो भाग देना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। जिस बट्टा के नीचे इसको तोड़िएगा, अगर दो बच जाए या फिर 5 बच जाए, ये दोनों में कोई आ जाए, ये नहीं दोनों आ जाए तब तो और अच्छा बात है, अकेले अकेले भी आ जाए तो वो हो जाएगा शांत, वो कहेगा बस हम शांति मिलेगा क्योंकि हमको दो भी मिल गया 5 मिल गया, कोई बात नहीं, दो नहीं मिला अगर 5 भी मिल जाए तो वो शांत हो जाता है। ठीक, लेकिन इसके साथ दूसरा कोई नहीं आ सकता है, ये दोनों के बीच इतना रिश्ता है, ये कहता है या तो तू भाई साहब रहना या फिर हम रहेंगे। ठीक है, इसके सिवा अगर यहाँ पे 3 आ जाता है नीचे तो मतलब कि ये शांत नहीं होगा। जैसे यहां देखिए बाबू, मान लीजिए 17/81 है, जब आप 81 को ऐसे तोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81, फिर 9 से एक बार में, आप बताइए यहां तो आप लिख दिए कितना 17 और 81 के जगह 9 9, जबकि 9 नीचे नहीं आना चाहिए, रूल है शांत का कि नीचे 2 और 5 आना चाहिए, ये तो पहले शांत नहीं है। 50 को देखते हैं, कितना को देखते हैं 50 को, यहां लिखते हैं 14/50, जब हम 50 को तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे 25, 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 50 25, और 5 से क्या बात है, दोनों यार आ गया, तो 14/50 के जगह पर लिखेंगे 2 × 5 × 5, तो बताओ 2 और 5 ही सिर्फ आए कि नहीं। तो अगर जब भी देखिएगा तो इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 बार 5 है ना, पावर 2, जब भी नीचे 2 या 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो बी आंसर सही है। और हाँ, अगर 2 या 5 आ जाए, दूसरा कोई नंबर भी आ जाए 3, तब ये शांत नहीं है, इन दोनों को छोड़कर, या तो ये अकेले रहेगा तो भी शांत है, ये अकेले रहेगा तो भी शांत है, दोनों है तो शांत है, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, हम दोनों के रिश्ते में तीसरा कांटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब अगला, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए बाबू, आ गया बात एक फॉर्मूला का कि दो संख्या, एक फॉर्मूला आपके 10th क्लास में 4 4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो संख्या का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या रट लीजिए, दो संख्या का गुणनफल, जैसे मान लीजिए कोई दो गो संख्या है 4 और 6, इसका गुणा कीजिएगा तो कितना आया, 6 चौका 24 आया ना, लेकिन ये कह रहा है कि दो गो संख्या का आप गुणा किए तो 24 आया ना, अगर आप इसका 4 और 6 का अगर लघुत्तम निकाल लें, यानी LCM निकाल लें, LCM अगुणे, इसका क्या निकाल लें, HCF भी निकाल लें, महत्तम HCF, और इस निकालने के बाद भी गुणा कीजिए, वो आंसर और दोनों का 24 से आएगा। समझे हम क्या बोले, जो भी दो गो संख्या है
दोनों संख्या को गुणा किए तो कितना आया 24। अगर इसका लघुत्तम निकाल के यहाँ भर दीजिए, महत्तम निकाल के यहाँ भर दीजिए और तब वो गुणा कीजिएगा दोनों को, तो क्या आएगा 24 ही आएगा। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो को कोई संख्या है पता नहीं है, लेकिन उसका मौसम माने HCF 27 है। चलिए HCF की जगह हम कितना भर दे 27 गुणे लसा, मतलब लघुत्तम कितना है 162। आई दो गो संख्या यहाँ होना चाहिए, हमको पता नहीं है कौन सा संख्या है। आगे पढ़ते हैं, एक संख्या 54 दे दिया है, एक संख्या 54 दे दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो भाई खाली डब्बा छोड़ देते हैं, सिंपल। अब यही निकालना है कि ये कौन ऐसा संख्या होगा, तो एक काम करते हैं इसको कटा देते हैं, 27 दूना 54 दो बचा ना, फिर इस दो से इसको कटा देते हैं, 2 8 16 2 1 2 यानी इधर बच गया डब्बा, इधर बच गया 81, यानी डब्बा के जगह पर यानी दूसरी संख्या ही है, दूसरी संख्या है ना, दूसरी लिख दे रहे हैं सेकंड, तो दूसरी संख्या 81 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 81। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको मस्ट VVVVVI है। अब कहेगा सर ये इतना VVI क्यों लिख रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, परिमेयकरण गुणांक पूछा है, यानी ये परिमेय नहीं है, ये तो रूट में है तो अपरिमेय है ना, इसको परिमेय बनाना है। क्या बनाना है, इसको ऐसा करो कि यहाँ से रूट हट जाए, तो किससे गुणा कीजिएगा। देखो परिमेयकरण माने परिमेय बनाने के लिए किससे गुणा कीजिएगा, तो आपको बताए थे बाबू कि मान लीजिए कि ये अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, और इसको रूट को हटाना है, तो रूट कब हटता है, जब एक जैसा दो गो नंबर रहेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ अगर हम रूट टू से गुणा कर देना, ठीक है, तो ये दो दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 आराम से निकल जाता है 2, ठीक है, चाहे दो गो एक जैसा है ना, तो आराम से एक गो बाहर निकल जाता है, ये भी आप अपना सकते हैं, तो परिमेय बन गया। तो वही बात है कि परिमेय बनाने के लिए गुणा करना है, तो किससे गुणा कीजिएगा, 18 को परिमेय बनाना है, तो पहले 18 को तोड़ ले रहे हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आया है, 2 से हो जाएगा 9, ये 3 से हो जाएगा 3 3 9 और 3 1 3, जब हम 18 को तोड़े ना बाबू तो कितना आया 2 × 3 × 3 आया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों जोड़ा एक जैसा है ना, तो ये गो बाहर निकल जाएगा, अब बेचारा 2 का जोड़ा नहीं लगा। अगर इस 2 को हटाना है हमें क्या करना है, इसे 2 को अगर हटाना है यानी रूट को हटाना है, तो एक और अगर रूट 2 रहता ना, तो ये भी जोड़ा में है, तो ये भी कहा जाता, आराम से कहता कि हम लोग भी दो आदमी हो गए, सिंपल, तो हम भी बाहर आ गए, तो 6 आराम से हो जाता, यानी कि हमको अपने से रूट 2 से गुणा करना है, या फिर जो भी रूट में बच जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 18 को परिमेय बनाने के लिए अपने से रूट 2 लगा रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसे आप कह दिया है रूट 2 हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा बाबू, ऐसे अगर हम रूट में लिख दें 50, कितना लिख दें 50, तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एग्जाम है, इसी वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा किताब आपका मैथ का कंप्लीट होने वाला है। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं 11 नंबर, इसको बट्टा में बदलना है, किसमें बदलना है बट्टा में, आप रेकरिंग वाला क्वेश्चन पढ़े हैं ना, तो इसका तो ट्रिक बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 0.42, ठीक, तो यहाँ एक चीज आपको समझा दें, अगर ये रेकरिंग नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता, तो पॉइंट हटाते हैं ये वाला पॉइंट, अच्छा पॉइंट थोड़ा जीरो की तरह दिखता है कि नहीं, लगता है कि ये जीरो है, तो जब खाली पॉइंट हटाएंगे यानी जीरो एक तरह से मान लें, तो दो गो अंक है तो दो गो जीरो ऐसे लगा देंगे, आराम से ये पॉइंट में था, तो ये किसमें बदल गया बट्टा में बदल गया, 42/100। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेकरिंग है, तो मान लीजिए कि ये दोनों हटाना है, तो एक गो तो ये हटाना है और एक गो ये हटाना है, अब बताइए थोड़ा थोड़ा ये 9 की तरह दिख रहा है कि नहीं, तो जब ये दोनों हटता है ना तो 9 आता है। अब कहिएगा सर क गो 9, तो जितना अंक पर रहता है उतना 9, तो यहाँ देखिए 0.42 ऐसे है, इसको हटा दिए, इसको दोनों को अगर हटा दिए तो यहाँ हो जाएगा 42, अब बटा 2 गो पर था तो 2 गो 9, यानी 42/99 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन 42/100 ये मत मारिएगा, ये सिर्फ पॉइंट हटता है तो होता है, इसमें दिया रहता है ऑप्शन में 42/100, देखिएगा ये सब आप संभाल के। अब बात करते हैं ये वाला, फिर वही जब भी दो गो संख्या वाला हो, अब फार्मूला याद रखिएगा, आ लसा हो और मसा हो ये सब, तो एक फार्मूला आपको तो बता ही थे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है LCM गुणे HCF, ये याद रखिएगा, नहीं दो गो संख्या को कोनो गुणा कर दो
या फिर लघुत्तम निकाल लो और महत्तम निकाल लो, गुणा करो, दोनों बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है। अब भर लीजिए ना, दो गो संख्या, एक गो संख्या का नाम ए, लो भाई तो पते नहीं है तो ए लिख दिए, और दूसरा संख्या का नाम क्या है, दूसरा संख्या है 18, ठीक। अब इसका निकाला गया है एलसीएम, एलसीएम 36, तो एलसीएम की जगह 36 भर देते हैं गुणे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2, अब कटा दीजिए 18 दूना 36, सिंपल। ए बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, ए का मान निकलना था, ए का मान आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका 12 क्वेश्चन, जो 12 वो क्वेश्चन था, वन लेसन में से इसी में से पूछेगा। ऐसे ही 2 लेसन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, उसी में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, और पूरा का पूरा 15 लेसन तक कंप्लीट होगा। अब रहा बात 5 नंबर वाला, तो इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट खोल करके देखिएगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको बना लेना है, क्या करना है, बना लेना है, और आपको ज्ञापन एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ये भेज देना है, ठीक है, ताकि हम चेक कर ले। उसके बाद से 2 नंबर यूक्लिड बना लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी मैथमेटिक्स की तैयारी आपको आसानी तरीके से हो जाएगी, घबराइए मत, कुछ समय झेल लीजिए। इस बोर्ड के माध्यम से आपके समक्ष बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड आएगा, हम लोग जुट चुके हैं, एकदम ताकत लगा चुके हैं कि लेना ही लेना है, और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैथमेटिक्स को ना हलवा बना देंगे, यानी इतना आसान कि जिंदगी में मैथमेटिक्स से मोहब्बत, आपकी पहली मोहब्बत मैथमेटिक्स होगी, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर के हम लोग तैयारी से पहले एक और तैयारी, आखिरी वीडियो ये आपको देखना, और मैथमेटिक्स में 100 में 95 से 97 नंबर, यानी 100 में 100 भी आप ला सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसमें हर लेसन से जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूं, और वो भी ऐसे नहीं कि सर इतना क्वेश्चन हम कैसे बताएंगे, उसका एक एक लॉजिक भी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ हार्ड बिट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि कॉन्सेप्ट पता है दिल की धड़कन है एक तरह से, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे, और जैसे ही थोड़ा सा इसके बारे में यहां बताएंगे, अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सर आराम से इजी वे में टिक कर दीजिए, बोलिएगा सर ये तो हमको सब आने लगा, ऐसे जरूर आप कहिएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर। यहां देखिए हम लोग टॉपिक का ये नाम है सेकंड लेसन का बहुपद, क्या नाम है, बहुपद, पॉलीनोमियल्स बोला जाता है, बहुपद, पद का मतलब हिस्सा, बहु का मतलब सास बहु वाला नहीं, बहुत सारा पद, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2x² + 6x + 4, पद मतलब होता है हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा, बताइए कितना हिस्सा में टूटा है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो ये 3 गो हिस्सा है, लेकिन हिस्सा को काम बोलेंगे पद, तो ये त्रिपदीय बहुपद है, बहुपद तो है क्योंकि बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा में कौन गो है, 3 गो है, इसलिए त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 गो रहेगा तो द्विपदीय हो जाएगा, 1 गो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं बताना है, हमको आपको घात के बारे में बताना है, किसके बारे में, घात। अब कहिएगा सर ये घात क्या होता है, तो घात मतलब पावर, पावर के हिसाब से ही आपके एग्जाम में नाम पूछता है कि बताइए, ऐसे क्वेश्चन एक दे देगा, देखिए अब कहेगा बताइए इस बहुपद का नाम क्या है, तो 3 गो पद वाला है तो त्रिपद मत बोलिएगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा तब मरेगा, हमको घात के हिसाब से चलना है। घात का मतलब होता है पावर, ये पावर को हम लोग घात बोलते हैं, ये पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो एगो है, क्या है, एगो है, जब भी एक्स के पास कुछ नहीं है तो एगो है, तो एगो है, तो घात के अनुसार इसका नाम है, ये 2 गो घात है तो इसका क्या बोलते हैं, इसको द्विघात बोलते हैं, ये 3 घात है तो त्रिघात, और ये 1 घात है तो 1 घात नहीं बोलते हैं, इसको एक रेखा की तरह है ना, लाइन की तरह, इसलिए इसका नाम है रैखिक। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है कि जिसका पावर यानी जिसका घात 1 हो, ऊपर वाले को घात कहते हैं, शक्ति घात, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात, हम लोग द्विघाते ना पढ़ रहे हैं, जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ये आप इतना समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, पावर 1 तो क्या बोलेंगे, जैसे कि x + 2 पूछेगा कौन सा बहुपद है, तो कुछ नहीं पावर तो 1, तो इसे कहेंगे रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक। x² + 2x + 4 कितना पावर है, सबसे ज्यादा पावर को देखते हैं 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात वाला है, ठीक। x² x का पावर 3 + 4x² + कुछ हो लिख दीजिएगा, बराबर ये हो जाएगा त्रिघात, क्योंकि सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 गो घात है। लेकिन एक चीज यही समझ लीजिए, ये तो 3 गो घात है, 2 गो घात है, तो सबसे बड़ा वाला 3 गो है, इसीलिए इसका नाम त्रिघात है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघात बहुपद, तो आप समझ गए, जो बहुपद होता है तो बहुपद खूब अच्छा लाइन से होता है, घात यहाँ 3 गो, तो 1 गो फिर कम रहेगा, 2 गो फिर 1 गो कम रहेगा, 1 गो लास्ट में 1 भी नहीं, तो इसी को लाइन से जो सजा होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब बात रहा कि सर ये जो है ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को क्या कहते हैं, तो पहला वाला नंबर को ए कहते हैं, दूसरा वाला नंबर को बी कहते हैं, तीसरा को सी कहते हैं, और चौथा को डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब एक्स की उतार दीजिए, वैसे ही x² ये हो जाएगा आपका, हटा दीजिए इसको, x और ये डी, ध्यान से देखिए हम क्या बनाए हैं, यानी कि पहले वाले
जो आपका क्या होगा चर बोलते हैं इसको, उसके साइड में जो नंबर होता है उस नंबर को ए कहते हैं, ए भी इसमें ए कौन हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक माने ओरिजिनल रूप, वैसे व्यापक माने बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे इसका ओरिजिनल रूप ये है, ठीक है, और इस ए बी सी डी के जगह पर ही कोई नंबर भरा जाता है। तो जैसे ही पूछ दिया त्रिघात, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही है इसका व्यापक रूप। अगर हम बोल दें कि द्विघात का क्या होता है, तो घात दो को होना चाहिए, फिर घात एक होना चाहिए, अब ए बी सी डी डाल दो ए बी लास्ट में कुछ नहीं तो सी, तो ये द्विघात का व्यापक रूप है। अगर यही पूछ दे यहाँ पे रैखिक का, तो एक्स एक्स है और प्लस में यहाँ ए और बी, ये व्यापक रूप है, इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे ही यहाँ पे त्रिघात का लिख दिया है व्यापक रूप, तो ये आपको त्रिघात भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी एक्स वाला क्या होगा, तो व्यापक रूप में बोलिएगा सर नंबर को हटा देते हैं द्विघात से, तो द्विघात से नंबर को हटा के यहाँ ए बी सी डी डाल देंगे, क्या डाल देने ए बी सी डी, तो वही उसका व्यापक रूप यानी ओरिजिनल रूप हो जाएगा। यही ए के जगह पे हम लोग कोई नंबर वगैरह भरते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। तीसरा टॉपिक डायरेक्ट देखिए, देखिए समझते चलिएगा, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात आ कि सर बहुपद पहचानने का क्या क्या तरीका है, बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सर पता है बहुत जगह देखें बहुपद पहचानना पहचाने वो क्या तरीका है, अरे यार बड़ी आसान ट्रिक है, क्या है, सभी नियम एक्स के लिए, समाज में सारा नियम लड़कियों के लिए लगाया जाता है ना, औरतों के लिए कि लड़की औरत बाहर नहीं निकल सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं सकती, तो बहुपद में भी जानते हो सारा नियम एक्स के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्स की तरफ देखिएगा, एक्स कभी बट्टा में नहीं देख सकते हैं, ठीक, एक्स का पावर कभी माइनस में नहीं देख सकते हैं, ठीक, एक्स कभी रूट में नहीं हो सकता है और एक्स का पावर कभी बट्टा में नहीं हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब कि एक्स का पावर बट्टा में भी नहीं और माइनस में नहीं, एक्स ये नीचे भी नहीं और एक्स रूट में भी नहीं, ये चार गो कंडीशन अगर आप देख लेते हैं तो बहुपद नहीं है, ठीक है, अगर बहुपद होना है, ठीक है, बहुबना है तो इस लड़की को यानी एक्स को सीधा सीधा रहना पड़ेगा, इधर उधर ऐसे पावर में नहीं रहना पड़ेगा, नीचे नहीं रहना पड़ेगा, इसे बहुपद बनना है तो, समझ में आया, यानी कि अगर कभी नीचे एक्स देख लीजिएगा कि सर ये बहुपद नहीं है, कभी ऐसे देख लीजिएगा ऐसे बहुपद है, बोलेगा सर ये है ही नहीं क्योंकि रूट में एक्स आ गया, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने का यही तरीका है कि एक्स खूब बढ़िया सीधा रहेगा, आराम से इस पर कोई रुकावट नहीं रहेगा, रूट वूट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए एक और चीज आपको समझा दे, इसमें द्विघात में सपोज मान लीजिए कि हम दो गो घात वाला लिख रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको का इसका बोल दे फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणन खंड कीजिए, तो सुनिए ध्यान से, इसमें एक्स का मान निकाला जाता है। अब एक्स का मान इसमें पूछ देगा कि कब निकलेगा, तो जितना पावर होगा उतना एक्स का मान निकलता है, यहाँ पावर कितना है दो ठो है, तो यानी एक्स का मान कितना निकलेगा दो ठो, तो यहाँ पे बोल देगा कि एक्स का मान निकालें, पहला क्वेश्चन ये कह सकता है। इसी को एक और नाम से कहेगा कि शून्यक निकाले, तो शून्यक भी इसी को कहते हैं, एक्स के मान को भी इसी को कहेगा, एक मिनट और हाँ, अल्फा और बीटा निकालें, तो इसी को अल्फा और बीटा भी कहते हैं, तो एक्स के मान को शून्यक भी कहते हैं और एक और कहते हैं मूल। जब भी बोलेगा कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का क्या निकालें, मूल निकालें, क्या निकालें, मूल निकालें, तो मूल का मतलब एक्स का मान ही होता है, और एक्स का मान इसमें कब को निकलेगा, जितना पावर होता है उतना एक्स का मान निकलता है। मान लीजिए कि इसका आंसर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसका आ गया टू, सही नहीं बना रहे, और इसका आ गया फाइव। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए बाबू एक्स बराबर कितना है, तो कोई लड़का बोलेगा सर एक्स का मान तो पाँचों हो सकता है, दो ही हो सकता है, इसलिए जब डाउट है ना तो इसका नाम को चेंज कर दिया गया और एओ का नाम रख दिया गया अल्फा, एओ का नाम रख दिया गया बीटा, अल्फा ऐसे बनता है, अल्फा और एक का नाम रख दिया गया बीटा, तो अल्फा बीटा भी इसी को, मूल भी इसी को, जब भी बोलेगा शून्यक भी इसी को, निकालते कैसे ये तो आप जानते हैं, बीच वाला को दो हिस्सा में तोड़ा जाता है, बताए थे ना, और इसे कॉमन लिया जाता है, वो हम क्वेश्चन में आपको बता देंगे। मूल समझ गए कि नहीं समझे, मान लीजिए मूल किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को भी मूल कहते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि मूलों का योग, मूलों का योग निकालिए, मैंने मूल जो भी निकलेगा उसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिएगा, अल्फा जितना निकलेगा और बीटा निकलेगा जोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ये एक्स का मान ही है और इनको दोनों को जोड़िएगा, चाहे बी बाई ए कीजिएगा, ये दोनों बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ समझिए पूरा फॉर्मूला भी एक बार आपको समझा दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा जब भी बोलेगा दोनों को जोड़ने को, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भर दीजिएगा, ठीक, इसको गुणा करने को बोलेगा अल्फा गुणा बीटा, तो हो जाएगा सी बाई ए। याद कैसे रखेंगे इसको, सब दोनों के नीचे ए डाल दीजिए, ए के बाद क्या होता है बी, फिर क्या होता है सी, दोनों के नीचे ए बी सी, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा का हो गया और ये अल्फा गुणे बीटा का हो गया,
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 यहाँ पे लिखा है 5y² 15y और 8 की शून्यक, शून्यक माने वही x का मान का योग, योग माने x के मान यानी शून्य को कहते हैं अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का योग निकालना है। अभी आपको बताए थे अल्फा बीटा का योग होता है -b/a होता है, क्योंकि शून्य किसी को तो कहते हैं। अब बताइए माइनस है तो माइनस है, बी कितना है, तो पहला वाला नंबर को ए कहते हैं और दूसरा वाला सिंबल के चिन्ह के साथ लिखते हैं, बी कहते हैं लास्ट वाले को सी कहते हैं। तो यहाँ 14 है तो यहाँ लिख देते हैं कि 14 आया है। अब बट्टा सी बाई क्या है, ए कितना है 5 है, ए कितना है 5 है। अब ये माइनस और ये माइनस का बन गया प्लस बन गया, प्लस 14/5 यानी अल्फा प्लस बीटा का योग 14/5 हो गया। तो इसमें कहीं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस नहीं होना चाहिए, 14/5 आंसर हो गया। वैसे ही निम्न में से कौन बहुपद है, आ गया ना लड़कियों वाला पहचाने वाला तरीका, तो सुनो ध्यान से बहुपद पहचाने का तरीका। सब नियम x के लिए, तो डायरेक्टली सब में x को सिर्फ देखिएगा, x कभी बट्टा में नहीं हो सकता है नीचे, x कभी रूट में नहीं हो सकता है, x का पावर माइनस में नहीं, x का पावर बट्टा में नहीं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो x यहाँ खूब अच्छा अलग है, यहाँ भी अलग है भाई, यही बहुपद है, हो गया यहीं पे। ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बट्टा में x है, यहाँ पे रूट में x है, यहाँ पावर माइनस में ये भी बहुपद नहीं है, यही खूब अच्छा x बच गया है, इसलिए ये बहुपद है। अब बात करते हैं कि बहुपद इतना का शून्यक निकालना है, शून्यक का मान वही x का मान, ठीक है, तो जितना पावर होगा उतना x का मान निकलेगा। तो सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2011 और 17 में मस्ट VBI, और ये पूछा गया 12 15 और 18 तीन साल पूछा गया, इस बार भी पूछेगा। इसको देख लीजिए x² - 9 का क्या निकालना है, x का मान, तो बराबर में डाल दीजिए 0, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, x² = 9 प्लस में हो गया। अब सुनो ध्यान से, पावर 2 है ना तो x का मान 2 को निकलेगा, देखो कैसे, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, लेकिन रूट में प्लस माइनस लेके जाता है, इस स्क्वायर में कितना अच्छा सुंदर इधर है ना, जैसे उधर जाएगा तो इस रूप में बदल जाता है। यहाँ 9 x = +-9 का वर्गमूल 3 होता है, एक बार प्लस में 3 और एक बार माइनस में 3 लिख देना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये वाला x का मान 2 आ गया, एक x का मान ये और x मान ये, चाहे तो इसको अलग अलग अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब बात करते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का योग, अब आगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने बाबू का होता है, यहाँ देखिए शून्यकों का योग माने होता है शून्यक अल्फा और बीटा को कहते हैं, इसका योग दे दिया है, कितना दे दिया है योग -4, इसका गुणनफल, गुणनफल माने इसी को गुणा कर दीजिए, ये कितना दे दिया है -5, और कह रहा है इस बार देखो क्या दिया, इस बार डायरेक्ट आंसर दे दिया है, और कह रहा है बताओ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, ये ऐसे दिया है। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पहले तो आप लिखिएगा x², फिर यहाँ होता है x, होता है कि नहीं, और फिर यहाँ कोई नंबर होता है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि द्विघात है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बड़ी आसान है, आप बताइए यहाँ b होता है ना, तो आप बताइए इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा की बात करते होता है -b/a, और इसकी बात करते होता है c/a, तो ध्यान से देखिएगा b यहाँ पे है, यानी कि इस फॉर्मूला में होता है, इसीलिए अगर b को हटा करके यहाँ लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, c कहाँ पे होता है, c यहाँ पे होता है, तो c वाला के जगह लिख दीजिएगा अल्फा गुणे बीटा, ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए कि जब भी ऐसे आंसर दे देगा क्वेश्चन पूछेगा तो x² फिर x होगा लेकिन प्लस वाला, और लास्ट में होगा गुणा वाला। यहाँ गुणा वाला क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्मूला में c आता है जो c यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे b आता है जो कि अल्फा प्लस बीटा में होता है, कहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा में b होता है। मान भर लीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -5, एक के पास में सिंबल नहीं रहता इसलिए ब्रैकेट कर दिए, x² + -4x और प्लस माइनस -5, अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन बन गया कि नहीं द्विघात, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अभी आसान है बहुत, सेम है बी के जगह पे, ये ना बी ना भर के हम ये भर दिए, क्योंकि ये दिया था, ठीक है, खानदान में कोई दिया हो ये एक ही खानदान का ना है, क्योंकि इसका वैल्यू ये होता है। अब ये x² - 4x - 5 कहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में x² - 4x - 5 ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा परेशानी है। यहाँ देखो क्वेश्चन, अब ये वाला देखते हैं, यदि बहुपद x² ये क्वेश्चन दे दिया है कि शून्यक, शून्यक माने अल्फा और बीटा, चाहे x का मान दिया हो अल्फा और बीटा, तो इसका मान निकालना है,
किसका, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, ये पांच बार क्वेश्चन पूछा, ये हर साल पूछता है, पांच बार क्या बताएं, हर साल पूछता है। कुछ मत करना, बट्टा का जोड़ कर दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा, इसमें इसमें भाग करोगे तो ये अल्फा से अल्फा खत्म, बच जाएगा बीटा, तो ऊपर जो बच जाता है वो लिख दो, इसमें भाग करोगे बीटा से बीटा खत्म, बच गया अल्फा। अब तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बीच में गुणा रहता है सी बाई ए, इससे ये खत्म हो गया माइनस बी बाई सी। नहीं तो एक चीज और यादें कर लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो माइनस बी बाई सी लिखना है, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं माइनस बी कितना है, क्वेश्चन में देख लीजिए सिंपल, इसमें ए यहाँ पे रहता है बी यहाँ पे रहता है, कुछ नहीं तो एक मान लीजिएगा, माइनस एक, यानी बी है माइनस एक, और सी इसमें सी कितना है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे और सी, सिर्फ नंबर को लेना है, एक माइनस माइनस हो गया प्लस, एक बट्टा एक एक ही हो जाता है, यानी कि एक ऑप्शन इसमें आपका बी में दिया है, हो गया सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि एक बहुपद यहाँ दे दिया गया लेकिन एक के जगह कोई नंबर नहीं है, तो एक का मान निकालना है, कोई बात नहीं, मैथ का एक रूल समझ लीजिए, पूरा मैथ समझिएगा, पता है राज की बातें क्या है, कि जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये नहीं कि पूछ दे कि ये निकालिए तो उसी का लगाए, जो निकालना है वो अपने से निकल जाता है, पहले जो दिया है उसी का फॉर्मूला, मूलों का गुणनफल दिया है, ठीक, इसी का फॉर्मूला लगाइए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल माने गुणा करना, मूल मतलब होता है अल्फा और बीटा का मान होता है, अल्फा पानी पर चलता ही नहीं है, मेरा बस चले तो पानी में आग लगा दूं। यहां देखो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाइए, गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बाई ए, जब भी जो चीज दिया हो वही भरिए, गुणनफल डायरेक्ट कितना दे दिया है, डायरेक्ट ये 8 दे दिया है सी, बताइए इस क्वेश्चन में सी तो यही ना होता है ए, अब बट्टा ए, ए कौन है, तो ए यहाँ का नंबर होता है, तो नंबर कुछ नहीं है, तो देखो एक्स के साइड वाले को ए, इसको भी, तो कुछ नहीं है तो एक डाल दो, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया 8। अब ऑप्शन में कहीं ए बराबर 8 आपको दिख रहा है, यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही मिस्टेक होगा, तो यहाँ समझिए यहाँ बना देते हैं हम 8 इसको, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन मिस्टेक है और ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ देखिए निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, अभी बताए थे बहुपद पहचानने का तरीका, यहाँ देखिए ये खूब देखो एक्स को सिर्फ देखेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे एक्स को, यहाँ बहुपद ये है क्योंकि एक्स सही सलामत है, यहाँ पे भी बहुपद है क्योंकि देखिए एक्स बच गया है, रूट नहीं है इस बार, और यहाँ भी बच गया, ये भी बहुपद है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुपद हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स नीचे आ गया, आपको बताया था कि बट्टा में भी एक्स नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 बट्टा x-1, ये बहुपद नहीं है। पी का मान निकालना है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे, शायद इसमें लग रहा है कि पी कुछ दिया होगा, यहाँ दिया है, पी का मान निकालना है, टेंशन नहीं लो, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णता एक्स माइनस दो से भाज्य है, माने एक्स माइनस दो से भाग दे के पी का मान निकलेगा, वो ऑब्जेक्टिव में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो प्लस में एक्स बराबर हो गया 2, और जब एक्स बराबर 2 निकल गया तो इसमें ले जाके जब भर दीजिएगा ना, तो वहां से क्या निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा। तो ये हम इतना बता दिया, आप इसको कमेंट में बताइएगा, एक्स का मान ले जाके 2 भरिएगा, 2 भरिएगा ये बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो यहां से पी बच जाएगा और पी का मान निकल जाएगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि पी का मान क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि घात पूछ रहा है, सबसे बड़ा घात कौन है, तो सबसे बड़ा घात 3 होगा, इसी को तो घात कहते हैं ना, तो आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। यदि बहुपद ये पूरा क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अब का e का हुआ सर, सुनिए सबसे पहले पावर 2 है तो इसका शून्य 2 आएगा, 2 क्या आएगा, x का मान 2 आएगा, शून्य किसी को ना कहते हैं 2, लेकिन पता है क्या बोल रहा है कि शून्य जो है ना, पता है आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा एक दूसरे के उल्टा आएगा, उल्टा का मतलब अगर ये एक्स का मान यहाँ 4 है तो इस एक्स का मान व्युत्क्रम माने 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4, कुछ भी मन में सोच लीजिए, कुछ भी जो यहाँ आएगा उसका ही व्युत्क्रम आएगा, कोई बात नहीं हम लोग बना लेंगे, जो भी आएगा उसका क्या आएगा व्युत्क्रम, तो बी का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं हम, जब मान लीजिए कि 2 कोई एक्स का मान, अपने मन में कुछ भी भर लीजिए 2 एक्स का मान, एगो मानिएगा वो उसका, चलिए हम अपने से मानते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3 कुछ मान ले 5 मान लेते हैं, तो दूसरा इसका उल्टा बोल रहा है आएगा,
एक बटा पाँच आएगा। इससे आप खुश हैं कि नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए उससे मतलब नहीं है। और निकालना है यहाँ पे बी का मान, किसका मान निकालना है, बी का मान। बी का मान यानी इस जगह पे क्या है, तो पहला वाला को ए, दूसरा को बी या तीसरा को सी कहते हैं ना, और सी अल्फा गुणे बीटा फार्मूला में आता है, सी बाई ए। इसमें एक दो ही फार्मूला का तो खेल है सिर्फ, सी निकालने का मतलब तीसरा स्थान बी लिखने से नहीं होगा, कौन सा स्थान पर है, सी वाले स्थान पर है, तो ये फार्मूला होगा। अल्फा यानी एगो एक्स का मान कितना दिया है, पाँच, बीटा एगो एक्स का मान कितना दिया, इसी का उल्टा, अब बराबर सी बट्टा सी का मान कितना दिया है, तो देखिए तो सी के जगह पे क्या है, बी है, वो भी माइनस में बी है, अब बट्टा ए की जगह क्या है, ए की जगह कुछ नहीं तो एक है। इससे ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ एक बराबर माइनस बी, ये माइनस को इधर रख दीजिएगा तो बी बराबर माइनस एक, बी का मान कितना है माइनस एक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ये समझ में आया हम कैसे बनाए, दो गो शून्यक होगा लेकिन एक दूसरे के उल्टा होगा, और उसके बाद से क्या बोला था कि बी का मान निकले, तो बी का मान इस सी वाले स्थान पर था, तो हम सोचे कि हमारे पास तो दो ही फॉर्मूला है, उसमें सी किस में आता है, तो इसमें आता है, ये भर दिए और निकल गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बहुपद पी एक्स सबसे आसान है, बहुपद तो आप जानते हैं ऐसे, यही एक बहुपद मान लीजिए कि यही एक बहुपद है, और जब भी x का मान ऐसे निकलेगा तो दो गो निकलता है, x माइनस टू ऐसे करके निकलता है, मान लीजिए कि x से करके दो गो निकल गया, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब आप क्या करेंगे, एक बहुपद को जब बहुपद को बनाएंगे तो एक दो गो गुणनफल निकलता है, मान लीजिए कि एक दो गो निकल गया, तो उसमें का एगो गुणनफल दे दिया है, सपोज मान लीजिए यही दे दिया है, ये तो कह रहा है कि उसका शून्यक निकालें, तो उससे का मतलब है, डायरेक्ट इसी को रख दीजिए, x प्लस टू शून्यक माने शून्य के बराबर, जीरो के बराबर कर दीजिए, ठीक है, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस दो, यानी x का मान, x को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, इसीलिए x का मान माइनस दो आ गया, तो माइनस दो आपका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में बताइए कि दुई गो घात वाले बहुपद में कौ गो शून्यक निकलेगा, तो जितना पावर उतना शून्यक, तो दो गो घात है तो दो गो शून्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा दो शून्यक। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक माने वही ओरिजिनल, तो क्या होगा, याद है ना, त्रिघात x का पावर तीन, तो यहाँ रहेगा a बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका ओरिजिनल रूप है, यहीं पे बाद में नंबर डाल दिया जाता है तो खूब अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये वाला इसका व्यापक रूप, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। शून्यक निकालना है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग नहीं निकालना है, जब जोड़ा घटाव का बात करेगा ना तब अल्फा प्लस बीटा गुणा बीटा का बात करें, हमको डायरेक्ट दो एक्स का माने निकालना है, कोई बात नहीं यहाँ निकल जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर इसको तोड़िएगा जब, तो ये हो जाएगा चार एक्स माइनस प्लस टू एक्स, कैसे, देखो इसको दो हिस्सा में हम तोड़े हैं, ठीक, फिर चार गो एक्स में से दो गो एक्स जाएगा तो फिर दो गो बच जाएगा कि नहीं, और इसको गुणा करने पर ये आठ भी आ जा रहा है, तो इसीलिए देखिए ऐसे बीच वाले को दो हिस्सा में तोड़ते हैं कि सॉल्व करे तो ऊपर वाला आओ, गुणा करे तो आठ आ जाए। यहाँ देखिए दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है एक्स, तो एक्स ये दोनों में से एक्स निकल गया तो एक एक्स निकला तो एक एक्स बचा और यहाँ पे बच गया चार, ये दोनों में क्या दिख रहा है, दो का पहाड़ा दिख रहा है, तो दो का पहाड़ा बाहर निकालिए तो एक्स माइनस दो चौका आठ हो गया। इसका सही होने का एक रूल क्या है कि दोनों का ब्रैकेट वाला अगर सेम आ जाए तो हम सही बना रहे हैं, x प्लस टू एगो बाहर वाला लिख दिए और दोनों में से कोई एक अंदर वाला x माइनस फोर लिख दिए, बराबर में जीरो कर दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, x प्लस टू बराबर जीरो तो x बराबर माइनस टू, और एक बार x माइनस चार बराबर जीरो तो x बराबर प्लस में चार, दो गो एक्स का मान आया कि नहीं, इसीलिए ये को अल्फा कह सकते हैं, ये को बीटा कह सकते हैं, तो ये वाला निकल गया। वैसे ही ये देखिए शून्य के निकालना था तो x का माने निकाले हम, मूल भी बोलेगा ना तो x का माने निकालना है, तो आपको ये दो नंबर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, कि बीच वाले को ऐसे दो हिस्सा में तोड़िएगा कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर सात आ जाए, और गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाए दस, और फिर जब ये चार हिस्सा में टूट जाएगा, इसको दो हिस्सा चार और दो दो को कॉमन ले लीजिएगा, ऐसे दो दो का जोड़ा लगा करके और ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा आपका बन जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं तीन नंबर, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, एग्जाम नज़दीक है, कहिए कि भाई सर हमको समझ में आ गया बन गया, कहीं नहीं बना तब तो हो गया ना छुट्टी, इसीलिए इसको कमेंट जरूर कीजिएगा बना करके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीन नंबर, तीन नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक, अब बोला है कि इसका शून्यक, शून्यक माने वही एक्स का मान दो गो निकला है, लेकिन यहाँ एक्स नाम नहीं रख रहा है, उस एक्स के जगह ए ओ के जगह पी रख दिया है, ए ओ जगह क्यू रख दिया है उसी के जगह, अब बोल रहा है कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान निकालें, आप कोई ऐसा फॉर्मूला देखे हैं जो कि यहाँ पे जो भी हो उसका एक स्क्वायर हो, तो याद कीजिए एक फॉर्मूला आप जरूर देखे होंगे,
ए प्लस बी के द होल स्क्वायर देखे होंगे, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा लुक में ही दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम कन्फर्म है कि दिख रहा है। यहाँ देखिए, जब आपको वैसा दिख रहा है तो हो सकता है कि यहाँ मान लिया हो P और यहाँ मान लिया हो Q, फिर यहाँ पे हो जाएगा P, ओ नो, P और यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे P और यहाँ पे Q। ये पी क्यू ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पर ही टूटा है, हमको निकालना है इसका मान, इसीलिए इसको छोड़ करके प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा P प्लस क्यू का स्क्वायर और माइनस टू। देखो ये दिमाग में आएगा कैसे, सोचिएगा कि इस टाइप का किसमें देखे हैं, तो याद आए कि अच्छा ए प्लस बी के द होल स्क्वायर में दो हो स्क्वायर में होता है, ठीक है, टू पी क्यू। आप बताइए फॉर्मूला तो जानते हैं, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा कह सकते हो, ये सुनिए कि ना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस है तो माइनस टू, यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, मान लीजिए कि ये शून्य की है, शून्य की है यानी एक को अल्फा कह सकते हैं एक को बीटा कह सकते हैं, तो अल्फा गुणे बीटा होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। अब फॉर्मूला भरिए, माइनस बी, बी कितना है तो यहाँ पे देखिए ये वाला बी है, ए ये बी ए और ये सी, तो ये हो जाएगा माइनस में सात, ए कितना है, ए है आपका दो का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस टू सी बाई ए, सी हो जाएगा तीन और ए हो जाएगा आपका दो, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया होगा, दो से दो ये खत्म हो गया, सात का स्क्वायर होता है सात सते उनचास, लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, नहीं तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। यहां देखिए ऐसे नहीं होगा, यहां पे लिखिएगा माइनस सात का स्क्वायर उनचास और यहाँ पे हो जाएगा दो दूना चार और माइनस तीन, अब ये कर लीजिए बट्टा का जोड़ घटाओ तो ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा माइनस 49 और माइनस चार तिहाई 12। यहां देखिए अब ये स्क्वायर अगर कीजिएगा तो b का स्क्वायर तो b ए स्क्वायर न रह जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर रह जाएगा, अब माइनस दो बार हो जाएगा तो प्लस में हो जाता है माइनस टू सी ए, अब वैल्यू भर लीजिए आराम से, b कितना है तो b यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में सात का स्क्वायर, अब बट्टा a कितना है, a यहाँ पे हो जाएगा दो का स्क्वायर और माइनस टू इंटू सी आपका तीन है और a आपका दो है, दो से दो खत्म, सात सत्ते उनचास बट्टा चार और माइनस तीन, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं, बट्टा का कर लीजिए घटाओ एक मान करके, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा 49 और माइनस चार तिहाई 12, अब ये घटा लीजिए, नौ में से दो जाएगा तो सात हो जाएगा और ये चार में से एक जाएगा तीन, 37 बट्टा चार आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 37 बट्टा चार। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हम एक बार बताए थे लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से बता दिए थे, बहुत बड़ा तरीका से इसको छोटा तरीका से, ये हर साल पूछता है कोई ना कोई, ये क्वेश्चन रेकरिंग वाला दे ही देता है, हर साल पूछता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को बनाने का एक आसान तरीका यही है, 2.47 है बट्टा है, उस वक्त आपको जो इससे पहले वाले में बताए थे वो ऐसे करके था, ऐसे कुछ होगा दोनों पर, तो ये हटाने पर 9 लिख रहे थे लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया है, इसका सबसे सस्ता उपाय बता रहे हैं, देखिए पहले पूरा को लिख दीजिए 2 4 7, ठीक, ये 2 गो पर है तो ठीक है, नीचे 2 गो 9 आएगा, रेकरिंग 2 पर है तो 2 गो 9 आएगा, लेकिन ये पूरा लिख करके जिस पर से रेकरिंग नहीं होता है वो खाली घटा दो, हो गया बस, पूरा लिख करके जिस पर रेकरिंग नहीं है वो खाली का कर दो, घटा दो, अब ये और ये दोनों जब हटता है तो 2 है तो ये 2 गो 9 आता है, अब ये 247 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा आपका 245 अब बट्टा में 99, ये पी बट्टा क्यू के रूप में हो गया कि नहीं, यानी बट्टा के रूप में ये हो गया, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले कह रहा है कि आराम से इसको बनाइए, तोड़ताड़ के बनाइए, इसका शून्यक निकालिए, अब फिर फॉर्मूला पर बनाइए, क्या बनाइए फॉर्मूला पर, यानी गुणांक वाला, माइनस बी बाई ए, ये गुणांक ही है, गुणांक समझते हैं, गुणा करने वाला अंक को गुणांक कहते हैं, तो बी गुणांक नहीं है, बी किसको बोलते हैं,
ये ए है तो ये सात बी है कि नहीं, तो सात एक्स में गुणा किया है, ये एक ऐसा अंक है जो गुणा किया है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग गुणांक। ए भी गुणांक है, दो गुणांक नहीं है, गुणा करने वाला एक अंक ही है, किसमें गुणा किया है एक्स स्क्वायर में। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप इसमें एक्स का मान निकाल लीजिए और फिर ये फॉर्मूला भर लीजिए और दोनों क्या बराबर आएगा, यही चीज़ गुणांक आपको बनाना है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, अगर हम ऐसे लिख दें 0.42 ठीक, और आपको बताना है इसको बट्टा में बदल के बताना है, 23.42 पर रिकरिंग है, इसको बट्टा में बदल के बनाइएगा। यहाँ देखिए पहले इसको तोड़ते हैं बीच वाला को, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स, दो और दो चार हो जाएगा, गुणा करने पर भी चार हो जाएगा और बट्टा में चार, ये दोनों में मिल रहा है एक्स कॉमन, तो एक्स बाहर निकल गया, ये बच गया एक्स प्लस टू, इसमें मिल रहा है दो कॉमन, दोनों में दो का पहाड़ा, तो क्या हो जाएगा एक मिनट, फिर यहाँ पे एक्स प्लस टू हो जाएगा, दोनों बराबर आए इसका मतलब सही बना रहे हैं, एक्स प्लस टू एगो बाहर वाला लिख दिया, दोनों में कोई एक अंदर वाला लिख दो, एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स प्लस टू बराबर एक बार इसको जीरो के बराबर, तो माइनस टू, ये भी तो सेम है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस में टू, यहाँ पे दो ठो निकल गया, क्या निकल गया दो ठो, एक को कहते हैं अल्फा, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक को कहते हैं हम लोग अल्फा बराबर माइनस टू और इस एक को कहते हैं बीटा बराबर माइनस टू, दोनों सेम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य तो आपने निकाल लिया, अब गुणांक के बारे में बताइए, अरे फॉर्मूले में गुणांक होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ये गुणांक ना है, ये क्या है गुणांक है, क्योंकि बी गुणा किया है ना किसी अंक में, अब कह रहे दोनों का मान भरिए, दोनों बराबर आया, तो बराबर आया इसका मतलब कोई ना कोई संबंध है, तभी दोनों बराबर आ रहा है, अल्फा है माइनस दो प्लस बीटा भी है माइनस दो, एक ही जैसा दो को सिंबल नहीं रहेगा, इसलिए ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस बी कितना है, तो यहाँ बी देखिए यहाँ पे चार है, ए कितना है कुछ नहीं तो एक है, वैसे नीचे एक नहीं लिखते हैं हटा दो, माइनस दो और ये प्लस माइनस माइनस दो, ये हो जाएगा माइनस दो माइनस दो माइनस चार बराबर माइनस चार, बाबू कुछ तो संबंध है ना, तभी तो ये दोनों बराबर आया है, हम ये शून्यक भरें और ये गुणांक है और ये दोनों के बीच संबंध है, तो आपको इसमें मान भरना है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, इसमें ये मान भरिए दोनों और इसमें भी भरिए, अब भर के बने ये भी दोनों बराबर आएगा, तो ये क्वेश्चन आपको तीन नंबर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि टू लेसन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम करीब है, एक बार में पूरा वीडियो देखिए और जा करके एग्जाम दे करके, ये बाबू मेरी गारंटी है कि आप आने के बाद थैंक्स एक बार जरूर लिखिएगा कि सर मेरा पूरा का पूरा बन गया। तो बिना देर की हम लोग थ्री लेसन देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव आप एक भी नहीं छोड़ेंगे, इस बार लास्ट समझना है बाबू, इसके बाद से आपको नहीं समझना है, ध्यान से समझिएगा। पहले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब इस नाम से ही पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दो चर, चर का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में ए बी सी डी वाला जो भी होता है ना, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं चर कहते हैं, तो इसमें दो गो चर होगा। देखिएगा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो ऊपर वाला में देखिए तो ए बी सी डी का सिर्फ दो हिस्सा है, एक्स है एक्स, एक्स है वाई, इसीलिए इस क्वेश्चन को दो चर वाला कहते हैं। अब दो चर वाला रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पावर कितना है, सब में एक है और पावर एक को रैखिक, पावर दो होगा तो द्विघात, तो पावर कुछ नहीं तो एक रहता है, इसीलिए रैखिक। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये, क्या है ये समीकरण, युग्म माने होता है जोड़ा, लेकिन ये देखिए तो इस टाइप का एक और नीचे है ना, तो ये जोड़ा में है। इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ समझ गए, दो चर वाला रैखिक माने पावर होता है, एक पावर को रैखिक कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण इस क्वेश्चन को कहते हैं, आई दो गो है तो युग्म माने जोड़ा, जोड़ा में है। अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप जब कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं क्या करते हैं लिखते हैं, तो पहला वाला को हम लोग कहते हैं ए, दूसरा वाला को कहते हैं हम लोग बी, और पूरा तीसरा वाला को क्या कहते हैं सी। लेकिन और एक हम यहाँ पे बाबू क्वेश्चन लिख दें, यहाँ समझिएगा और एक क्वेश्चन, तो इसको भी जाहिर सी बात है हम ए कहेंगे, इसको कहेंगे बी, नंबर को ही सिर्फ कहते हैं, और इसको सी। अब आपसे हम अगर पूछे कि ए बराबर कितना, तो कहिएगा सर तीन, और कोई लड़का बोलेगा दो, अब मामला फंस गया, ये दोनों में डाउट आ रहा है कि भाई ए होगा कौन, इसीलिए ये क्वेश्चन एक नंबर था, इसीलिए ये सब एक लिख देंगे, ए वन बी वन सी वन, और ये दो नंबर पे है, एक नंबर क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन, इसीलिए इसको सब पर क्या डाल देंगे दो। अब तो डाउट खत्म हो गया ना, अब पूछेंगे सी टू, तो बोल देना सर
टू नंबर वाला पूछ रहे हैं सी, तो टू नंबर वाला सी छः होगा। अब पूछ दिया बी टू, अच्छा टू नंबर वाला बी, तो दो नंबर में बी सर ये होगा, यानी बी टू चार होगा। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ एक रोल क्या होता है, यहाँ इसको कहेंगे ए वन और इसको कहेंगे ए टू, यानी क्या कहेंगे ए वन और इसको कहेंगे ए टू, इसको कहेंगे फिर बी वन, ए के बाद बी है ना, तो एक नंबर बी टू, इसको कहेंगे सी वन, इसको क्या कहेंगे सी टू। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ए वन यहाँ पे समझिएगा, ए वन कितना है दो है, ए टू कितना है, ए टू आपका चार है, यहाँ पे दूसरा देखिए बी वन कितना है तीन, अब बी टू कितना है पाँच है, सी वन माइनस चार है या सी टू माइनस दो है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। और इस हर जितना इसमें क्वेश्चन होगा सब में दो दो गो इक्वेशन है, दो दो गो समीकरण है ना, इसमें भी दो गो है, इसमें भी दो है, बहुत सारे क्वेश्चन में दो दो समीकरण है, तो एक बार ये समझ जाइएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, क्या ये दोनों पहला वाला बराबर है, ये पहला वाला बराबर नहीं है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को ऐसे ये बट्टा कर लीजिएगा, ये दोनों को क्या कर लीजिएगा बट्टा, यही तो किए हैं, दो बट्टा चार, तीन बट्टा पाँच, और ये बट्टा कर लीजिएगा। अगर पहला वाला बराबर नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिखे ना, बराबर नहीं है, लग रहा है ना कि ऐसे लाइन को काटा है, और लाइन को काटा है ऐसे, तो कितना जगह काटा है, एक जगह, तो जितना जगह काटेगा, अभी दो जगह मत कहिएगा, एक लाइन को एक ही जगह तो काटा है, ठीक, तो एक लाइन को जब एक जगह काटा है तो इस टाइप के क्वेश्चन दब दे देगा, पूछेगा कि कितना हल, तो एक जगह काटा है इसीलिए एक हल। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऐसे करके ये काट दिया, तो इस काटे हुए लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। दूसरा, अगर ये पूछ दे कि इस क्वेश्चन में कितना हल होगा, तो बाबू एक ही जगह ना कटा है, तो इसका हल होगा एक हल, कितना हल, एक हल होगा, ठीक है। उसके बाद से ये लाइन ऐसे गया था और ऐसे काटा है ना, मान लीजिए दुए वो काटा है, एक हन को लेकर के हम देखे काटा है ना, तो आप बताइए अगर ये दो गो ऐसे ट्रेन का रास्ता जा रहा है, ठीक, इसे काट दिया, काट के इधर चला गया इधर, तो कहाँ विरोध किया, विरोध का मतलब होता है आगे से रुकावट डाले, वो तो आर पार कर गया ना, तो ये विरोध नहीं किया, यानी कि ये हो जाएगा अविरोधी, क्या हो जाएगा अविरोधी, अविरोधी, ठीक है। अगर यही दुगो रहता और कभी पास में होता ही नहीं, हमेशा एक दूसरे के ऐसे विरोध करके चलता, हमेशा दूरी बनाए रखता, पास में कभी नहीं जाता, तो इस समानांतर लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, विरोधी, ये दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहा है, कहाँ पास में जा रहा है। तो यहाँ देखिए, जब भी पहला वाला बराबर नहीं हो तो ये वाला तीन गो आंसर हो सकता है, या फिर प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं, एक हल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह कटा है, यहाँ देखिए अविरोधी बोल सकते हैं, तीनों में कोई भी ऑप्शन देखिएगा आप टिक कर दीजिएगा। ट्रिक समझ में आया, पहला वाला बराबर नहीं हो तो पूछ देगा कितना हल, तो जितना जगह कटेगा उतना हल, तो एक लाइन एक जगह ही तो काट रहा है, तो एक हल होगा। अब मान लो कि एक लाइन ऐसे खींच दें और दूसरा लाइन इसी पर खींच दें, तब हम पूछेंगे बताइए एक लाइन दूसरे लाइन को कितना जगह छुआ है, कितना जगह टच किया, तो कहिए सर तो करोड़ों जगह किया है, तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पर टच किया है करोड़ जगह, तो इसका करोड़ों हल होगा, यानी अनंत हल होगा, उसका गिनती है नहीं कि कौन जगह सटा है। लेकिन यही अगर बोल दे कि दो लाइन बताओ कितना जगह सटा है, तो कहिएगा सर एक भी जगह नहीं सटा है, इसका मतलब इसका एक भी हल नहीं है, तो जितना जगह सटता है उतना हल होता है, ठीक है। और ये तीन फिगर होता है, जब आमने सामने हो तो ऐसे लाइन को कहते हैं समांतर रेखा, ठीक, जब एक के ऊपर एक एकदम हो तो उसे कहते हैं समपाती, क्या बोलते हैं, एकदम पाटी बना के समपाती, और जब एक दूसरे को काट दे तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर प्रतिच्छेदी हो सकता है, ठीक है। जितना जगह काटा है उतना हल, तो समपाती भी होगा तो इसका अनेक हल होगा, क्योंकि अनेकों जगह सटा है, ये समानांतर होगा तो कहीं नहीं सटा है तो कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ए वन बट्टा ए टू करो, तीन बट्टा छः, फिर ये पाँच बट्टा दस, और ये हो जाएगा माइनस पाँच बट्टा नौ, तीन दूना छः, पाँच दूना दस। अब यहाँ देखिए, ये दोनों बराबर आ गया, एक बट्टा दो और एक बट्टा दो का आ गया बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अब बताइए बाबू कि जब ये दोनों बराबर आ गया, ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए पहला वाला से ही पहचान लेना है, जब ये ऐसे कट गया था तो इसका आंसर प्रतिच्छेदी था, लेकिन इसमें पहला वाला देखिए तो ऐसे सामने जा रहा है ना, दोनों सामने का मतलब होता है समानांतर, इसीलिए इसके क्या आंसर होगा, इसका प्रतिच्छेदी ना होगा, क्या होगा समांतर होगा, क्योंकि ये सामने है, और जब भी समांतर हो तो लाइन कहीं नहीं कटा है, पहला वाला ही देखना है, लाइन जब कहीं नहीं कटा है तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा,
इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। उसके बाद से जब दो लाइन सामने ऐसे जा रही होती है तो एक दूसरे का विरोध कर रहा है ना, कहाँ पास में आ रहा है, विरोध कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे विरोधी। क्या बोलेंगे, विरोधी। समझ में आया। उसके बाद देखिए इसको भी बट्टा करते हैं, 2/4 नंबर 4/8 और ये 4/8, ठीक, कटाइए, ये हो जाएगा 2 4 2 8। लो भाई ये तो सब बराबर ही आया, सबका आया बराबर आया। और जब सब बराबर हो इसका मतलब कि लाइन एक दूसरे पर सटा होगा, यानी सटा होगा, यानी कि लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका लाइन सामने होगा, इसका लाइन कैसे होगा, ऐसे काटेगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो एक के ऊपर एक हो, इसे कहते हैं संपाति, या एक और नाम से जानते हैं आश्रित। किस नाम से जानते हैं, आश्रित, माने एक के ऊपर एक है। तो बताओ ये लाइन एक के ऊपर एक है तो क जगह सटा है, करोड़ों जगह, तो इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत हल। ये एक जगह सटा है इसका एक हल, ये कोई जगह नहीं सटा तो इसका कोई हल नहीं, तो इस क्वेश्चन का कोई हल नहीं, इस क्वेश्चन का एक हल, इस क्वेश्चन में एक के ऊपर एक लाइन है, क्यों, क्योंकि सब बराबर है, ठीक है, तो इसका अनंत हल हो जाएगा। तो जब भी सब बराबर हो तो अनंत हल लिखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अनगिनत भी बोला जाता है, अनगिनत। यहां देखिए, यहां पे एक हल को एक और नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इतना समझ में आया, तो जब इतना आपको समझ में आया ना, यहां पे हम फिगर बना देते हैं। इसमें लाइन हमेशा प्रतिच्छेद करती है, इसमें लाइन हमेशा समानांतर रहेगी, ठीक है, और इसमें लाइन हमेशा एक के ऊपर एक सटा रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म एक दे दिया और पूछ रहा है इसका कितना हल होगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको और फिर देखिए इसको, इसका पहला वाला A1, अब इसको मिटा दें, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसका पहला वाला A1 एक है, और A2 इसके नीचे लिखिए 3, फिर B1 2 और B2 12 लिखिए, फिर C1 -5 और C2 10 लिखिए। अब बताइए क्या ये पहला वाला बराबर है, पहला वाला बराबर नहीं है। तो जब भी पहला वाला बराबर नहीं हो तो तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ देखिए अद्वितीय हल, यानी पहले ही बार में एक जगह काटा है ना, तो एक जगह काटा है इसलिए अद्वितीय हल या एक हल। दूसरा क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनंत हल होता है, क्या होता है, अनंत हल। देखिए तो अनंत हल होता है, यहाँ पे दिया है ना, कब होता है अनंत हल, जब इसकी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। अनंत हल कब होगा, अनंत हल जब ये तो संपाति हो या फिर आश्रित हो। तो यहाँ देखिए तो संपाति, अनंत हल तब होता है जब एक के ऊपर एक ऐसे सटा हुआ हो, करोड़ों जगह सटा है दोनों लाइन। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल प्रतिच्छेद, माने कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद माने ऐसे काटे, तो एक ही जगह काटती है ना, तो ये पूरा में से कौन सा ऑप्शन है देख लो। तो जब ये प्रतिच्छेद हो तो आलेख समानांतर होगा, संपाति होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। रैखिक समीकरण एक दे दिया है, चलिए अब फिर से यहाँ देखिए कौन सा दिया है, A1, A1 कुछ नहीं तो x है, A2 2 है, फिर यहाँ B1, इसका B1 3 है, आ इसमें क्या है, माइनस में 5 है, C1 -4 और C2 -1, पहला वाला ही बराबर नहीं है। तो जब पहला वाला ही बराबर नहीं है इसका मतलब कि लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, और एक जगह ही काटती है, इसीलिए इसका एक हल और प्रतिच्छेदी। तो ऑप्शन में क्या है, अच्छा विरोधी वाला है, तो आप बताइए एक दूसरे को काट दिए, पार कर दिए, विरोध में थोड़े है, अविरोध में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर अविरोधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3.3 किस चतुर्थांश में है। अब ये कहेगा सर ये क्या होता है, टेंशन मत लीजिए हम बता रहे हैं, जब आप ग्राफ पढ़िएगा ना ऐसे, ठीक है, तो इधर 1 2 3, इधर -1 -2, ये सब इधर -1 -2, तो कह रहा है कि ये दोनों माइनस में है, इधर है दोनों, तो ये किस बॉक्स में आएगा, किस घर में आएगा, 1 2 3, तो ये आएगा, देखो x के मान 3 है ना, तो मान लीजिए x का मान -3 माइनस वाला, और ये भी x का मान -3, तो इस 3 नंबर वाले घर में आएगा, यानी तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से के किस मान के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन, ये संपाति है, संपाति का मतलब तीनों बराबर है, ये A1/A2 ये यहाँ पे लिखे ना, ये सब आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है, सिंपल है, जब बराबर है तो आंसर तो निकल ही जाएगा। कितना, यहाँ देखिए 1/ कुछ नहीं इसके आगे तो एक ही ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर इसका 2 नंबर लो, 2/k, फिर इसका लो 7/14। ये तो एकदम चुटकियों का खेल है, 1/2 है ना,
बराबर होना चाहिए सब, तभी तो समपाती होगा। क्या पूछा है? समपाती बराबर, तो ये तो दो हो गया। अभी हम कौन सा के का मान रखिएगा कि कटाने पर दो आ जाए, तो चार रख दीजिए आराम से। इसका मतलब के का मान कितना होगा? चार, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, अकर है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, और एक हल कब? जब एक जगह कटे, यानी लाइन प्रतिच्छेदी होगा तो एक जगह कटे, यानी ये होना चाहिए, पहला वाला ही बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं है। उसके बाद से दो चर वाले समीकरण संपाती है, लास्ट वाला सब बराबर है, संपाती है तो कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ग्राफ वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक बार जा करके ग्राफ देख लीजिए, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन आता भी है। ग्राफ आपको अच्छा से समझना है तो उसको जाके देखिए। बाबू प्लीज एक बार देखिए, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम आपका है, और इस बार लापरवाही कर देना, बस एक बार मेहनत करना है, उसके बाद एग्जाम देने के बाद पूरा फ्री हो जाएगा, सिंपल। बिना देर किए हम लोग अगला लेसन देखते हैं। हर लेसन वाइज हम लोग रिवीजन तो कर ही रहे हैं, और बस एक वीडियो को देखिए और पूरा का पूरा आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, यानी इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए, इस लेसन में ये पूरा ऑब्जेक्टिव बस इसी में से रहेगा, इसी में से का मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है और इसके आधार पर रहेगा, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इसमें जो सब्जेक्टिव बना है वहाँ पे 5 क्वेश्चन है, जो कि कई कई बार पूछा गया है, किसी आंसर में 2 जोड़ने पर घटाने पर ये बहुत बार गया है। यहां देखिए, ये कई बार सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेन है द्विघात, यानी दो को घात वाला क्वेश्चन, ये द्विघात का क्वेश्चन है कि नहीं, पावर 2 है तो द्विघात। इसको इसमें ये नहीं कि बीच से इसको दो हिस्सा में तोड़ के बनाए, ऐसा इस लेसन में बनाना ही नहीं है। वो बोलेगा कि इसको बनाइए, लेकिन द्विघाती एगो सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग करके बनाइएगा। तो हम बस आपको एक बता दे रहे हैं, आपको आराम से वो बन जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसे लिख दे 4x प्लस 4, ऐसे मान लीजिए कि हम द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन लिख दे, इतना समझ गए। उसके बाद से हम बोले कि पता है, इसको तोड़ के मत बनाइए, इसको फॉर्मूला पे बनाइए। तो फॉर्मूला पर बनाने के लिए दो ठो, पहले कहेगा कि इस क्वेश्चन के मूलों की प्रवृत्ति बताएं, माने मूल निकालने से पहले चेक कीजिए कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो सुनिए ध्यान से, सही गलत चेक करने का तरीका। यहाँ देखिए, पहले डी निकालेंगे, डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। जब भी बोलेगा एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा विवेचक निकाले या विवेक्तिकर निकाले, इन दोनों में कोई विवेचक या देखे ना वह वह दो बार है ना, बोलेगा तो डी का मान निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आराम से भरिए। बी कितना है? तो बी यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है? ए इसके साइड वाला होता है, कुछ नहीं है, और सी हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16, 16 में से 16 जाएगा 0। अब सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ डी का मान हम निकालें, और डी का मान कितना आ गया? 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया? डी 0। तो जब हम इसका मूल निकालेंगे ना, मूल माने एक्स का मान, एक्स का मान दो बार निकलेगा क्योंकि पावर कितना है? 2 बार। तो जब भी हम इसका एक्स का मान निकालेंगे ना, तो एक्स का मान दोनों बराबर आएगा, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। आपको यही क्वेश्चन पिछले वाले देखिएगा लेसन में आपको बताए थे। अब कहेगा सर ये होता है ऐसा, सुनिए ध्यान से, जब डी का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसका एक्स का दोनों आंसर बराबर होता है, यानी कि उसको कहेंगे कि मूल दोनों क्या होता है? बराबर। तो यहां वही हम लिखे हैं, यहां पे देखिए ध्यान से। वैसे d बराबर क्या होता है? d बराबर यहां पे देखिए, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे अगर दे दे ऑप्शन में कि जब d 0 के बराबर हो तो उसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, तो हमेशा क्या होगा? पहले तो दोनों बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद से वास्तविक मूल होते हैं। अब समझिए, थोड़ा यहां निकाल भी दे रहे हैं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, ठीक। माइनस b कितना है? तो b यहाँ पे देखिए 4 है, प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है? d आया है 0, अब बट्टा में 2 अगुणे 1। यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस 4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, बट्टा 2। अब यहाँ पे x का मान निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको तोड़ने वाला झंझट खत्म हो गया, इसको तोड़ते थे ना वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको दो बार लिख दीजिए, एक को लिख देते हैं अल्फा माइनस 4 प्लस 0 बट्टा 2, और एक को लिख देते हैं बीटा बराबर माइनस 4 और माइनस 0 बट्टा 2। ऐसे हम कर सकते हैं कि नहीं? तो जब हम ऐसे इसको नीचे लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं? नीचे, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 0 बट्टा 2। आप बताइए, 0 में कुछ जोड़िए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो माइनस 4 बट्टा 2 और ये भी माइनस 4 बट्टा 2,
जब इसको कटाएगा तो माइनस दो और इसको कटाएगा तो माइनस दो, दोनों आंसर बराबर आया कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट आपको बनाने का, सिर्फ मूल चेक कर लीजिए, डी का स्क्वायर यानी विवेचक का फॉर्मूला लगा करके डी बराबर अगर जीरो आ जा रहा है, पहले तो ये बोलेगा विवेचक निकाले तो ये तो नहीं निकालना है, बस डी का मान, लेकिन बोले कि इसको विवेचक यानी कि मूलों की प्रवृत्ति चेक कीजिए और तब एक्स का मान निकालिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स का मान दो गो निकलेगा। अगर ये जीरो आया, अब यहाँ देखिए मूल किसे कहते हैं, एक्स के मान को, तो अगर ये जीरो आया तो दो ठो हमारा मूल निकला है वो क्या होगा, एक ही होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। अगर ये जीरो से बड़ा आया, मान लीजिए कि डी बराबर आ गया दो, कितना आ गया दो, तो पता है ये एक्स का मान दो तो निकलने करेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन अलग अलग निकलेगा, क्या होगा अलग अलग, क्यों, क्योंकि ये जब दो ले जाकर यहाँ भरिएगा डी के जगह पे यहाँ पे, तो एक बार माइनस चार में जुटेगा, एक बार घटेगा, तो एक बार जोड़िएगा तो अलग आंसर, एक बार घटेगा तो अलग आंसर, ठीक। अगर ये एक्स का मान माइनस में आ गया, किस में आ गया माइनस में, तब तो हो गया काम, क्योंकि डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो डी के जगह यहाँ जब माइनस आप भरिएगा दो, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी रूट में माइनस नहीं होता है, रूट में देखो रूट का और माइनस एकदम कांटे की दुश्मनी होती है, दोस्ती नहीं दुश्मनी होती है, कभी भी ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जब डी माइनस में आ जाए तो क्वेश्चन वन में नहीं करेगा, समझ में आए। तो यहाँ वही लिखे हैं हम, ये डी लिखो, अच्छा है डी के जगह पे क्या लिखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये दोनों में कोई लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसका मान अगर जीरो आ जाए तो दोनों आंसर बराबर होगा और दोनों का वास्तविक मूल होगा, माने मूल निकलेगा, नहीं निकले तो उसे अवास्तविक और निकलेगा उसे वास्तविक कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसका दो आंसर निकला है कि नहीं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा आ जाए, माने जीरो से बड़ा का मतलब एक दो तीन चार पाँच कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग दो आंसर होगा बताए थे, और ये भी वास्तविक होगा, निकलेगा तो वास्तविक होगा, लेकिन जब ये नहीं निकलेगा तो अवास्तविक। अगर ये वाला डी का मान नहीं है, जीरो से छोटा आ जाए, जिधर पूंछ होता है वो छोटा आ जाए, मतलब कि ये जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस एक माइनस दो, अगर ये आ जाए यानी कि ये डी कितना आ जाए माइनस में आ जाए, तो भाई इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये अवास्तविक होगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इतना आप समझे होंगे तो आराम से ये समझ जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है, ठीक, और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीस कब से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह एक्स प्लस पचास बराबर जीरो का विवेचक निकाले, जब भी बोलेगा विवेचक निकाले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज मतलब मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए विवेचक निकाले, विवेचक माने डी निकल, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ देखिए बी, अब b कितना है तो माइनस में पंद्रह है का स्क्वायर, अब माइनस फोर, ए कितना तो ए कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे एक, और c है आपका पचास, ठीक, पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस होता है और माइनस पाँच सौ का बीस दो सौ हो जाएगा, ये कितना हो गया पच्चीस इसका निकल गया। तो आप बताइए d का माने विवेचक कितना निकला, पच्चीस, d को डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विवेचक कहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया था गड़बड़ हो जाता है। सुनो, अगर हम आपको देंगे ऐसे कुछ देर के लिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि हम आपको ऐसे दे दें बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन दे आ कह दे विवेचक निकालिए, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट मत कहिए सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए आप ये भरिएगा, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन बी स्क्वायर क्वेश्चन में इसमें बी कौन है, ए है ना, तो ए वाला स्क्वायर माइनस फोर ए, ए के जगह पे क्या है बी, और सी के जगह पे सी है, तो ये वाला आंसर सही होगा। कभी कभी इसको पलट देता है, कहता है कि विवेचक का सूत्र बताएं, तो हम लोग तो ये याद किए हैं तो ये मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे ना कि आसान क्वेश्चन दिया है तो सोचिएगा नहीं नहीं कुछ तो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया होगा, ठीक है। विवेचक निकाल लिए तो पच्चीस इसमें विवेचक है ना, डी नहीं होगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो के मूलों की प्रवृत्ति, अब ये बताते हैं प्राकृति निकालना हो तो अब एक बार डी चेक कीजिएगा और पता चल जाएगा ये तीनों में से कौन आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला सब कुछ वही, यहाँ लिख देते हैं डी बराबर वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना है तो बी यहाँ कुछ नहीं तो एक है, माइनस फोर ए एक, और सी भी माइनस एक, ये एक हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चार और एक कितना हो गया पाँच हो गया, चार और कितना हो गया पाँच, तो एक मिनट हाँ बी स्क्वायर माइनस वाला ठीक है पाँच, अब पाँच आंसर आ गया, तो ये तो जीरो से बड़ा हुआ ना, ये क्या हुआ जीरो से बड़ा। तो जब भी डी का मान
क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, ऐसे लिखते हैं जीरो से बड़ा। इसका मतलब कि एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो फॉर्मूला में हमेशा कौन होता है, यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपका डी बराबर जीरो आ जाए, ठीक, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए, और यहाँ लिख दे रहे हैं आपका डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, अगर ये कोई भी कंडीशन ऐसा आता है। तो यहाँ पर डी का मान क्या है, जीरो से ये बड़ा है, तो जब जीरो से बड़ा है तो दो भिन्न अलग अलग आंसर आएगा और वास्तविक होगा। तो देखिए तो इसमें कहाँ है, पहले तो ये अलग अलग होगा यानी कि भिन्न भिन्न होगा, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पे जीरो से बड़ा आया है तो पहले होगा असमान, यहाँ दिया है ना असमान, माने दो अलग अलग और वास्तविक, तो ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसको वैसे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसको बोला जाता है, ओरिजिनल रूप, इस ए के जगह पे कुछ नंबर होता है, बी के जगह पे कुछ नंबर, तो इसे व्यापक रूप कहा जाए, इसका मूल वास्तविक है और समान है, समान माने दोनों का आंसर बराबर है, कब होता है, जब डी जीरो के बराबर होता है, यानी आपको पता चल गया डी जीरो के बराबर है तो आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, एक्स का मान निकालना है, फॉर्मूला भर दीजिए, एक्स बराबर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू ए, यही ना होता है, माइनस बी प्लस माइनस, आप बताइए डी का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि मूल बराबर है बटा टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी, ये तो जीरो ना जुटेगा ना घटेगा, तो डी बराबर हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर माइनस बी बट्टा टू ए, इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है x बराबर माइनस बी बट्टा टू ए, ये आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के अगर यहाँ पे दे रहा है कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म दे दिया है, व्यापक रूप का मूल बराबर है, फिर वही बात, मूल बराबर है तो जब मूल बराबर होता है मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चाहे डी भी कह सकते हैं, किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, यानी डी बराबर जीरो, तो डी का फॉर्मूला भर दिए, बराबर जीरो है तो जीरो, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बी स्क्वायर बराबर प्लस फोर ए सी, अगर इसमें कहीं ऑप्शन देख रहा है तो मार दीजिए टिक, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस फोर ए सी, चलो यहाँ दिख रहा है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग निकालना है, आप बताइए, याद कीजिए मूलों का योग, मूल माने अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का योग क्या होता है, तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी कितना है, तो यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए बी है माइनस में फोर, और ए कितना है, तो ए है माइनस में तीन, ये कट जाएगा तो फोर बाई थ्री, आप ऑप्शन में इसमें देखिए पांच नंबर में फोर बाई थ्री आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, माने किस पर दुगो घात नहीं रह रहा है, तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए इन दोनों को, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला द्विघात नहीं होगा, जब इसका बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना इस रूप में, तो ये x का पावर लगभग क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, यानी कि द्विघात थोड़े, ये सब को तोड़ने पर बाबू द्विघात आएगा, पावर दो ही आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, आप एक बार देख लीजिए कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ जगह कम है, तो इसको जरूर आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ देखिए इसका विवेचक निकालना है, विवेचक माने डी का मान, ये सब हटाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कचरा हो गया है, डी का मान डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो होता ही है, विवेचक जब भी बोलेगा ये निकलना है डी, बी कितना है, तो यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में बी है 10, बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस फोर, ए देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा आपका थ्री रूट थ्री, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका रूट थ्री, हो गया सिंपल, 10 का स्क्वायर होता है 100 और माइनस, ये गुणा जब कीजिएगा आप तो तीन तरीका हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये दोनों को मिला के एक 3 निकला और एक आगे 3 है, तीन तरीका 9 और 9 चौका कितना होता है 36, ये जब घटाइएगा तो आएगा 64, 64 इसका मूलों की परिवर्ति होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, इस क्वेश्चन को समझ गए तो समझिए कि एक बहुत बड़ा टॉपिक आप समझ गए, यानी एक्स बराबर ये इतना दिया है, कई तरीका से निकलता है और इसका मान निकालना है वो एक्स प्लस वन में, तो पहले ना इसको सॉल्व करते हैं, एक और काम कर सकते हैं, एक्स बराबर इतना दिया ना, ले जाके यहाँ भरिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बट्टा का जोड़ घटा होगा, उतना में आप नर्वस हो जाएंगे, एक काम कीजिए आप, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि जब यहाँ पे x बराबर लिखा है 7 प्लस फोर रूट थ्री, ये लिखा है, तो आप इसको एक फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, a प्लस बी के द होल स्क्वायर, पहले देखिए यहाँ पे 4 रख दीजिए, अब प्लस में यहाँ रख दीजिए 3, ठीक, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, प्लस 4 रूट 3, ऐसे ही लिख दीजिएगा, अब यहाँ a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर जब सेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2
ए किसको मानिएगा, ए मानिएगा दो को, किसको मानिएगा दो को, टू ए, और बी मानिएगा रूट तीन को, अब प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना आप जरूर यहाँ दो रख दीजिए, यहाँ क्या रख दीजिए दो, पहले समझे हम ये क्या किए हैं, चार को लिख दिए हैं हम दो, समझिएगा इस बात को, चार को क्या लिख दिए हैं दो लिख दिए हैं, ए स्क्वायर, फिर उसके बाद से टू ए, अब बी लिख दिए हैं यहाँ पे, ताकि ये वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा बी, अब प्लस में लिख दिए हैं बी स्क्वायर, अगर इसको ध्यान से समझ गए, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, यहाँ देखिए फॉर्मूला में कैसे कीजिएगा, पहले ना चार को आप लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर हो गया, हम सेट कर रहे हैं ए प्लस बी के द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस पर तो चार को हम इस तरह लिख देते, अब मान लीजिए यही ए हो गया, ये क्या हो गया ए, तो ए स्क्वायर अब प्लस टू ए, ए कौन है यही ना टू ए, अब बी, बी मान लीजिए रूट तीन को, फिर ये गुणा कीजिएगा तो दो दुना चार, चार रूट तीन आ जा रहा है कि नहीं, तो ये वाला हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब बी तो ये हो गया ना टू ए बी, और फिर लिख दीजिएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, अब जब इसको तोड़िएगा ना तो इसको तोड़ने पर ये आ जाएगा, जब इसको गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, ठीक, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए, ए यानी दो प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, किसका होता है ए प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो यहाँ पे बच जाएगा टू प्लस रूट तीन, इतना समझ में आया, टू प्लस रूट तीन किसका मान हुआ, जब हम इसको एक्स का मान हुआ, किसका मान हुआ एक्स का मान हुआ, यहाँ लिख सकते हो एक्स बराबर इतना आया, अब ये तो सिंपल हो गया ना, इसको भी हटा देते हैं और फिर बना देते हैं, यहाँ देखिए जब एक्स बराबर इतना, यानी कि एक्स बराबर निकल गया, वन बाई एक्स भी निकाल लेते हैं, वन बाई एक्स, वन और एक्स का मान कितना है टू प्लस रूट थ्री, जब भी नीचे रूट हो तो उसका परमेकरण करते हैं टू माइनस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, वन बाई एक्स बराबर टू माइनस रूट थ्री, अब देखिए यहाँ पे ए देखिए तो ये फॉर्मूला पे सेट है, जब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा नीचे वाला फॉर्मूला पर, जब भी परमेकरण करने की बात करेगा रेशनलाइजेशन, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, यहाँ हो जाएगा वन बाई एक्स बराबर टू माइनस रूट थ्री, और ये हो जाएगा दो दूना चार माइनस तीन, टू माइनस रूट थ्री बराबर एक, वैसे नीचे एक नहीं लिखा जाता है, अब तो आंसर आ गया, अब कहेगा सर ये कहाँ आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर देखिए ये वाला क्वेश्चन से कैसे बनेगा, अब फॉर्मूला में भर दीजिए, आपका इसी का ना मान निकालना है वन प्लस वन बाई एक्स, तो पहले इसका मान कितना है टू प्लस रूट थ्री, अब प्लस इसका मान कितना है, यहाँ देखिए इसका मान निकला है टू माइनस रूट थ्री, इससे ये खत्म हो गया, दो और दो कितना हो गया चार हो गया, तो इसका चार ही आंसर होगा, ठीक है, तो इसको हम ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पहला स्टेप सेट किए हैं, और उसके बाद से एक्स का मान निकल गया है, ठीक, अब वन बाई एक्स यहाँ भर दिए वन एक्स का मान, इसको परमेकरण किया जाता है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस होगा तो दोनों जगह माइनस, और माइनस होगा तो दोनों जगह प्लस हो जाता है, यहाँ देखिए x बराबर माइनस पाँच लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे x बराबर माइनस पाँच का आलेख कैसे होगा, तो इसको मिटाएं हम, इसको मिटाने के बाद यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक ग्राफ मान लीजिए कि आप ऐसे बना दिए, कैसे बना दिए ऐसे, मान लीजिए कि आपने ऐसे ग्राफ बना दिया और x बराबर माइनस पाँच का रेखा कैसे होगा, तो माइनस पाँच इधर था, मान लीजिए कि माइनस पाँच यहाँ हो गया, तो इस पर एक रेखा खींचिएगा ऐसे माइनस पाँच पर, तो ये किसके सामने आ रहा है y के सामने आ रहा है ना, ये y है y के समानांतर होगा, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए y के समानांतर कहीं होगा तो y अक्ष के समानांतर ऑप्शन हो जाएगा, फिर इसका 10 नंबर का मान निकालना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो डायरेक्ट लड़का कह देता है सर इसका दो आंसर हुआ, दो नहीं हुआ, आठ का पावर जीरो, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो होता है ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, और दो का पावर जीरो है, यही तो है, किसी भी संख्या का पावर जीरो तो उसका वैल्यू एक, और इसका भी संख्या का हो जाए एक, एक में एक से गुणा करोगे तो एक ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, जान लीजिए एक है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी वही है, तीन का पावर जीरो प्लस दो का पावर जीरो, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, और किसी भी संख्या का पावर क्या हो जीरो तो एक, एक और एक ये जोड़ में है तो दो, एक पता है लड़का एक दिन क्वेश्चन क्या पूछा सर, हम उससे ऐसे करके पूछे कि बाबू मान लीजिए कि इतना आपको हम रुपया देंगे, तो बहुत खुश हुआ था, ठीक, हम बोले बहुत खुश आप मत होइए, इतना रुपया देंगे, आपको पता है
इतना रुपये का मतलब एक रुपया हुआ, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का पर कुछ भी हो उसका अगर जीरो हो जाए तो इसका मान एक होता है, ठीक। यहाँ देखिए वाई अक्ष, ट्रिक एक याद रखिएगा, जब भी वाई के बारे में पूछेगा तो एक्स वाला आंसर होगा, और जब एक्स के बारे में पूछेगा तो वाई आंसर होगा। तो वाई अक्ष का समीकरण एक्स इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्स बराबर जीरो होता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में x का मान उस समय से फॉर्मूला भर के बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी रूट बी स्क्वायर, तो यही हो जाएगा आपका, यही ना x का मान का फॉर्मूला है, यही d का मान था, यहाँ d भी रहता है या फिर d के जगह ये रहता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और रही बात इसकी, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बने क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आसान है लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मात्र 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके जस्ट बाद अपलोड होगा, एकदम जल्दी उसको देख लीजिएगा, देखिएगा, याद मत कीजिएगा, रिवीजन होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एग्जाम में बनने वाला है क्योंकि वहां तो बनेगा ही, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। इस वीडियो में एपी का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में तो पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट होने वाला है ना, लेकिन इसी में से कहीं ना कहीं से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक नहीं दो तीन पूछता है, और सब्जेक्टिव यानी कि दो नंबर और तीन नंबर वाला बस इतना ही, चार में से ही पूछेगा आपको, बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अच्छा बताइए समानांतर श्रेणी क्या होता है, कोई भी नंबर अगर लाइन से सजा हो ना तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ट्रेन का डब्बा देखे ना, कितना अच्छा डब्बा लाइन से सजा होता है और बीच में बराबर गैपिंग होता है कि नहीं, तो जो बीच में बराबर गैपिंग हो उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। सिंपल, जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 12 है, तो देखिए तो इसमें बीच में कौन का अंतर है, तीन ओ का अंतर है, इसमें भी तीन ओ का अंतर है, इसमें भी तीन ओ का अंतर है। तो अगर एपी किसे कहते हैं, जो आराम से ऐसे लाइन से सजाओ, समान अंतर में सजाओ, समान अंतर में सजाओ, और सजने को श्रेणी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया समानांतर श्रेणी। समझ गए होंगे, अब इतना बताने की जरूरत खास नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं। यहां देखिए, वैसे इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब एपी दे दिया है 40, 40 से कम किया है तो 15 हो गया, 15 में कितना कम किया है कि कितना 10 हो गया, फिर उससे ऐसे पीछे गया, पीछे बढ़ते गया है और पीछे गया, उसके बाद से पूछ रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 नंबर पे 10वां पद पूछा है। तो जब भी आपको 10वां पद 11वां पद बोले ना तो बड़ी आसान है, ए 10 पूछ रहा है, तो जानते हैं क्या कीजिएगा, ये जितना लिखा है 10वां पद उसमें लिखिएगा ए प्लस 9d, डायरेक्ट हो गया। क्या कीजिएगा, यहाँ 10 है तो A में 9d, यानी कि A में 10d है ना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे A में 9d। अब यहाँ A और D का मान भर दीजिए, हो जाएगा पहला वाला A का मान होता है, तो A बराबर दे दिया है माइनस में 40, D निकालना है ना, बीच में कितना का अंतर है घटा के देख लीजिए, दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, माइनस 15 में से घटा रहे हैं हम कितना, माइनस 40 को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस हो गया प्लस 40, ये 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, 25 बचा, यानी कि D का मान आ गया 25, पता है इसमें 25 गो का अंतर है, कितना कितना का अंतर है, तो इसीलिए तो समानांतर श्रेणी है, अगर अंतर बराबर नहीं रहता तो AP नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन AP है, तो देख लीजिएगा जिसमें यहाँ का D का वैल्यू बराबर नहीं, यानी बीच का अंतर बराबर नहीं है, जैसे ऐसे दे देगा 2 4 6 7, अब बताइए ये एपी है, नहीं है, ये समानांतर नहीं सजा, यहाँ दुगो का बीच में गैपिंग है, यहाँ भी दुगो का गैपिंग है लेकिन यहाँ पे एक का गैपिंग है, इसलिए एपी नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन 10वां नंबर पे निकालना है तो ए प्लस 9d, ए का मान हो गया माइनस 40 प्लस 9, डी का मान हो गया 25, माइनस 40 प्लस 25 नवा कितना होता है, 25 नवा होता है 225, ठीक, यहाँ पे गुणा करके आप देख सकते हैं, तो ये घटाइएगा इसे तो यहाँ हो जाएगा 5 ही उतार दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 12 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 185 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है जो खूब बढ़िया सजा हुआ है 21 फिर 42 बढ़ते गया ऐसे करते 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 लास्ट में 210 तक सजा है, जैसे मान लीजिए 21 सजा है, पता नहीं कितना का अंतर है घटा के देख लेंगे, 42 सजा है, 63 सजा है, 84, ऐसे करते करते कौन नंबर पे यानी कौन सा पद 210 आएगा। तो आप तो एक चीज जानते हैं कि सर ये एक नंबर पे है, ये सबको एक कहते हैं, सबको क्या कहते हैं, एक कहते हैं, याद रखिएगा सबको एक कहते हैं, लेकिन ये एक नंबर पे इसीलिए इसको A1, ये दो नंबर पे है A2, ये तीन नंबर पे है A3,
ये चार नंबर पे है ए फोर, लेकिन ये पता नहीं कि क नंबर पे है, तो नहीं पता है तो इसका नाम रख देते हैं एन, तो ये ए एन नंबर पे है, तो ये ए एन का मान दे दिया है। अब बस मान निकाल लीजिए सिंपल कि ये क नंबर पे है, एन का मान निकाल लेना है, तो आपको तो पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ दस है ना तो एगो कम हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे एन है ना, देखो यहाँ जो होगा एगो कम किया जाएगा, तो यहाँ एन है तो एन है तो एन में से एगो कम किए हैं, यहाँ दस रहता तो यहाँ पे क्या किए हैं, दस माइनस एक यानी नौ डी घट गया, नंबर था इसीलिए घट गया, यहाँ एन है तो नहीं घट पाया। ठीक है, यहाँ देखिए ए एन, एन कितना है 210 है, ठीक है, ए कितना है तो ए पहला वाला नंबर को क्या कहते हैं, ए है 21 प्लस एन नहीं दिया है कौन नंबर पे ये है, लेकिन डी इसमें कितना का अंतर है, तो 42 में से 21 घटेगा तो 21 बचेगा, कितना बचेगा 21 को का अंतर है, यानी कि डी, डी को बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब सभी का अंतर कितना है 21 है, ठीक है, तो इसे सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर। ये देखिए पहले इसको घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाए डी कितना है तो डी हो जाएगा आपका 21, 210 यहाँ लिख दीजिए, कितना लिख दे 210, ये चाहिएगा तो घटा लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, 21 प्लस ये हो जाएगा 21 एन और माइनस ये कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 21 लिखते हैं, 21 एन और माइनस ये हो जाएगा 21, इससे ये खत्म हो गया, बच गया 210 बराबर 21 एन, एक बार में 21 कट गया, जीरो बचा, एन बराबर 10, यानी कि ये 10 नंबर पे आएगा, यानी कि एन का मान कितना भर दिए 10 भर दिए, क्योंकि एन का मान 10 नंबर पे 200 क्या आएगा 10, तो वही पूछा था कि 210 नंबर कितने नंबर पे आएगा, कौन सा पद है तो 10वां पद है, तो वहाँ पद यानी 10वां पद बी आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये 72 है, घट गया है तो हो गया कितना 63, फिर घट गया है 54, ऐसे करते करते घटते जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि कहेगा कि जीरो है, एक ऐसा समय क्या हो जाएगा जीरो, तो पूछ रहा है कि जीरो कौन नंबर पे आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कितना नंबर पे है 1-2 नंबर पे, ऐसे घटते घटते कभी ना कभी जीरो आएगा ना, तो जीरो कितना नंबर पे आएगा, तो सिंपल वो भी ऐसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ देखिए उसको बनाने का सस्ता उपाय, ठीक है, पहले है आपका 72 63 54, ऐसे करते करते जीरो, पूछा है कि ये कौन सा पद है, ये कितना नंबर पे है A1 या A2 बोलते हैं इसको, ये A2 है, ये A3 है, लेकिन ऐसे करते करते ये पता नहीं कितना, तो n डाल दिए, अब ये an का फॉर्मूला लगाइए, लास्ट वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन जीरो दिया है, a दिया है 72 प्लस एन माइनस वन, और d का मान इसमें कितना का अंतर है तो घटा लीजिए, 72 में से आप 63 घटाइएगा तो ये 12 में से 3 जाएगा बचेगा 9, ये 9 का अंतर है, वो भी माइनस में लिखिएगा क्योंकि इसमें से घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, पक्का 9 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 63 और 7 दोनों, ठीक है, ये हो जाएगा 0 बराबर 72 और प्लस 9 में n से गुणा तो 9n, माइनस माइनस हो गया प्लस 9, ये दोनों एक जगह ऐसे नहीं रहता है, सिंबल उतार दे, ये लिखते हैं 72 और प्लस माइनस माइनस 9n और प्लस 9, 0 बराबर ये दोनों को जोड़िएगा तो 72 और 9 81 होता है, माइनस 9n। अब इन का मान निकालना है ना, तो देखिए जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले कर देते हैं, या तो इसी को हटा दें, इसको दिक्कत है तो माइनस में आया, इधर आया तो प्लस में हो गया, और ये 81 इसको भी भेज सकते हैं, 9 9 81 एन बराबर 9, कितना आया 9, यानी 9वां पद होगा 0 नंबर पे, 1 2 3 है ना, तो यहाँ एन का मान 9, यानी एन जब 9 भरिएगा तो 9 नंबर पे आएगा क्या ये 0, तो 9वां पद यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में यहाँ पे बी। उसके बाद से ये क्वेश्चन मस्ट VVI है और बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बिंदास देखिए, यहां पे देखिए कह रहा है कि एक दिया है AP की जगह एगो नंबर ये, दूसरा नंबर ये दिया, तीसरा ये दिया, ऐसे करते करते कह रहा है कि P का मान तब बताइए, कुछ नहीं करना है, P का मान निकालना है, आप बताइए दोनों के बीच का अंतर सब जगह बराबर ही ना होगा, एपी में तो यही होता है, तो इसको घटा लीजिए, कितना 2p+1 इसमें से इसको घटाइए p+1, ठीक, और बराबर लिख दीजिए, आप बताइए इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर, दोनों का अंतर बराबर ही ना होगा जी, ये बीच का अंतर, तो इसमें से भी घटाइए और बराबर होगा, तो 4p-1 में से आप घटा लीजिए 2p+1, ठीक, क्या किए हम, इसको इससे घटाएं, इसको इससे, जो भी घट के आंसर आएगा दोनों आपस में क्या आएगा बराबर, 2p+1 और ये हो जाएगा -p और -1, ठीक है, ये हो जाएगा 4p+ -1 और ये हो जाएगा -p
माइनस टू पी और ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। यहाँ से वन से वन खत्म, दो पी में से एक पी जाएगा तो एक पी बचेगा, यहाँ चार पी में से ये हो जाएगा तो कितना, चार में से दो जाएगा दो पी और माइनस में हो जाएगा ये टू। एक जात को एक जगह कर दिए माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा किसमें, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस हो जाएगा टू पी बराबर माइनस दो, घटेगा तो माइनस पी बराबर माइनस टू, खत्म हो जाएगा पी बराबर बचा आपका दो, माइनस माइनस खत्म हो गया, पी बराबर दो बचा, तो पी का मान दो, यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर। सिंपल, समझ में अभी भी नहीं आया बाबू, इसमें से इसको घटाए हैं तो घटाने के बाद बीच का अंतर पता चलता है ना, इसमें से इसको घटाए ये भी बीच का अंतर है और दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए घटा के दोनों को क्या कर दिए, बराबर लिख दिए। कर है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, इसका तो ट्रिक है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की सारी संख्या, जब भी एक से शुरू होता है इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, तो कितना भी बोल दे उसे मतलब नहीं है, 200 बोला है ना तो ऐसे कीजिएगा, देखिए ध्यान से, एक से लेकर के 200 तक जोड़ना है, योग निकालना है, तो कुछ नहीं लास्ट वाला लिख दीजिएगा 200, ठीक, आ एक अंक बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा, एक अंक बढ़ा के। अब बताइए ये टोटल एक है, एक दो हिस्सा है ना, तो जितना हिस्सा है उतना से भाग, क्या किए हम, अगर मान लीजिए कहा कि एक से लेके 100 तक को जोड़िए तो पहले 100 लिख दीजिएगा और 101 लिख के और दो से भाग, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 100। अब दोनों को गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 20 100, कहीं पे 20 100 दिया है, देखिए तो 20 और 100 यहाँ बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृत संख्या एक से लेकर के आप 25 तक को जोड़िए, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला 25 लिख दीजिएगा और आगे वाला 26 लिख दीजिएगा, उसके आगे वाला दोनों को यहाँ जोड़ के बट्टा जोड़िए मत, बस बट्टा 2 13, अब ये दोनों को गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर अब बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन आई है, 3 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13, यानी 5 5 गो का अंतर है, कितना का, 5 5 गो, इसका मतलब ये ए पी है। ऐसे करते करते 253 तक गया है। अब कह रहा है अंतिम पद से पीछे से 20 नंबर बताइए, पीछे से कितना नंबर, 20 नंबर। अब लो भाई, मान लीजिए हम आपसे अगर क्वेश्चन करें कि अंतिम पद से 20 नंबर, जैसे यहाँ लिख देना है 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मान लीजिए एपी लिख दिए हम, अब यहीं तक कुछ देर के लिए एपी लिख दिए, हम आपसे बोले कि आपको पता है क्या करना है, इधर से 4 नंबर बताइए, तो बड़ा जल्दी बता दीजिए, इधर से 1 2 3 4 नंबर सर ये है, लेकिन हम बोले क्वेश्चन पीछे से, यहाँ से पीछे से तीसरा पद बताइए, तो पीछे से 1 2 3 ये बताइएगा। अच्छा, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये आसान है इसीलिए बता दिए ना, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको पलट दें, 9 8 7 6 ऐसे कर दें, आगे ही से गिन दें 1 2 3, तो इधर नहीं हो जाएगा, पीछे से 3 नंबर करो, चाहे पलट करके आ इधर से 3 नंबर गिन दो तो इधर भी हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे एपी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ऐसे, अंतिम पद से 20 नंबर, तो अब क्या कीजिएगा, इसमें से 5 गो हटाइएगा, 5 गो करते करते 20 तक पहुंचेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब उल्टा लिखिए, यहाँ लिखिए एपी में 253, ठीक, उसके बाद से इसे 5 गो कम कितना होता है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि हो जाएगा 248, कितना होगा, अब ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा, 13 8 और 3, इधर से हम 20वां पद निकाल लेते हैं आगे से, ठीक, यहाँ पे 5 का अंतर है तो यहाँ पर भी 5 का अंतर है, ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 253 अंतिम पद से चल रहा है घुमा करके, और डी बराबर घटा लीजिए, 248 से 253 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब ये जब निकल गया तो 20वां पद ए 20 नंबर पर आएगा, तो ट्रिक तो चुटकियों का है, ए लिख दीजिएगा, आज जब यहाँ 20 है ना तो लिख दीजिएगा 19, एगो कम करके 19 डी, क्योंकि 19 और एक 20 हो ही जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए 20वां पद निकालना था और ये भी हो गया, तो यहाँ ए हो जाएगा 20, ए का मान है 253 प्लस 19 और डी का मान है माइनस 5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95, ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 14 से 9 जाएगा 5 और ये बचेगा आपका 1, तो 158 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा 158, ये वाला यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर, यदि 4/5 ए और 2, ठीक, ये इस लाइन से एपी ही दिया है, मैंने यहाँ कोनो नंबर होगा लेकिन यहाँ पे नंबर ना देके ए डाल दिया, कह रहा है कि एपी में ए का मान निकाले,
एक चीज याद है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन फ्यूचर कभी भी एपी में, कुछ मत कीजिएगा, बीच के अंतर को बराबर कर दीजिए, माने इसको घटाने के बाद ऐसे दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं इसको घटाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 4/5 बराबर, यानी ये घटाने के बाद जो आंसर आएगा और फिर ये भी घटाने के बाद दोनों का आंसर आना चाहिए सेम, आराम से बन जाएगा। एक जात को एक जगह कर दीजिए, यहाँ ए वाले को इधर और नंबर को इधर, तो ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4/5 ए, और ए कितना ये होता है 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 × 2 = 10 प्लस 4, ठीक है 2a बराबर 10 और 4 कितना होता है 14 होता है ठीक, और बट्टा में 5। एक को a का मान निकालना है, तो जिसका मान निकाला जाता है उसको अकेले छोड़िए ना, तो ये आ जाएगा नीचे, तो a बराबर हो जाएगा, बीच में गुणा रहता है यहाँ पे आ जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 14/5 × 2, ठीक है तो a बराबर 14/10, ठीक है ये कटेगा तो 5 होगा और ये कटेगा तो 7 होगा, मैंने मिला जुला करके 7/5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना, विषम संख्या जो भी है, तो 0 से 50 के बीच में विषम मतलब जो जोड़ा में नहीं है, जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक में 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, इस विषम संख्या ऐसे करते करते 50 तक नहीं है 49 तक विषम संख्या, तो सिर्फ विषम संख्या को निकाल के आज जोड़ देना है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 1 से 50 तक में पहला हो जाएगा 1, उसके बाद से क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 5, ऐसे करते करते कहाँ तक 49 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, अब ये गिनिएगा ना तब 25 गो होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक में 25 गो होता है सम संख्या, 25 गो होता है विषम, आधा आधा होता है ना जी, ठीक है तो यहाँ देखिए अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ना है तो सिंपल है, लास्ट वाले को कहते हैं ए एन, क्योंकि ये पता नहीं कौन नंबर पे है लेकिन पता है 25 नंबर पे है, कितना नंबर पे है 25 नंबर पे है, इसको ए एन भी कह सकते हो, लास्ट वाला है तो एन बराबर 49, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर आपको हो जाएगा 1, डी बराबर 2 का अंतर है 3 − 1 = 2, इसे सारा अंतर या पदांतर कहते हैं ठीक। अब निकाल लीजिए, जोड़ना है कौ को जोड़ना है, ए टोटल विषम संख्या को जोड़ना है, यानी 25 गो टोटल है, तो ए 25 आपको पता होना चाहिए कि 25 गो, नहीं तो फिर यहाँ पे बन जाएगा, निकालिएगा तो बन जाएगा, लेकिन समझ दिमाग लगाइए ना, 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 गो है, उसमें आधा है सम आधा है विषम, एस 25, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ठीक, उसके बाद से ए प्लस ए एन ठीक है, एन माने 25 को जोड़ना है 25/2, ए का मान कितना है 1 प्लस ए एन, ए एन यानी कि यही वाला 49 है, ये हो जाएगा 25/2 49 और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कटाइएगा तो हो जाएगा 25 यहाँ होता है 625, यानी कि आपका आंसर 25 को विषम को जोड़ने के बाद 625, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। अब कह रहा है इसका पदांतर निकालना है, पदांतर माने बीच का अंतर, तो यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर कितना है, तो देखिए ना सब का अंतर बराबर है, 4 4 का अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, इसमें ऑप्शन नहीं दिए बस ऐसे दिए। अब आते हैं मस्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने, यहाँ देखिए इस एपी में बस यही पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी मतलब ए एन समझ लीजिए, ए एन दिया है सामान्य पद, क्या दिया है 3n + 5, बाबू हर साल पूछा जाता है, एक साल का बात नहीं करें, इसी टाइप का दे देगा, आप कहेगा पांचवा पद निकलिए, अब सोचिएगा सर पांचवा पद 10 नंबर पे कौन आएगा, पहले एपी रहेगा तब ना बताएंगे, आपको खुद एपी बनाना है, यानी कि नंबर को सजाना है, कैसे, पहले ना 1 नंबर पे आएगा तो ए का मान एन का मान 1 रखिए, ए 1, तो ए एन का मान 1, तो यहाँ पे एन का मान 1 भरिएगा 5 हो जाएगा प्लस में, तो 3 × 3 = 5 कितना होता है 8, अब ए एन का मान 2 भरिए, 2 भरिएगा तो 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 × 5 = 11, एन का मान 3 भरिएगा तो हो जाएगा 3 × 3 + 5, 3 × 9 = 14, अब बन गया एपी, थोड़ा सा एपी बराबर कितना बन गया 8 × 11 = 14, यानी कितना का अंतर है, ए बराबर हो गया कितना 8, डी बराबर हो गया घटा लीजिए 11 − 8 = 9, 10 = 11, 3 गो का अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सार्व अंतर कितना होगा, तो भाई सार्व अंतर यानी कि लिख दीजिएगा सार्व अंतर, बीच का अंतर 3 है ना, बीच का अंतर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्व अंतर
तीन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एपी बनाए, तो एपी भी हम आपको आंसर में बता दिए। जब ये पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अब कहेगा प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद माने पहला वाला ए है, तो चाहिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, तीनों में कोई एक पूछता है। प्रथम कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा था सर्वांतर, तो सर्वांतर तीन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हम अपने से दिए हैं कि ये भी पूछ सकता है। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद दो है, पहला पद इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे किसी एपी का पहला पद यहाँ पे डाल दे रहे हैं दो, यानी एपी में एक नंबर पे है दो। सर्व अंतर तीन है, मतलब कि यहाँ आगे जो भी नंबर लिखा जाएगा तीन तीन गो का अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जानते हैं कि तीन गो का अंतर, तो इसमें तीन जोड़ दीजिए, यानी कि ए में डी जोड़ दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ए में टू डी जोड़ दीजिए, लेकिन ये सब मत दिमाग लगाइए, ठीक। तीन गो का अंतर है तो यहाँ हो जाएगा पाँच, ठीक, तीन गो का अंतर है, फिर इसमें जोड़ दीजिए तीन, तो कितना हो जाएगा आठ। यही है आपका एपी दो पाँच आठ, तो यहाँ पे देखिए तो दो पाँच आठ आपका बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ा सा हिंट में सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, हम वीवीआई की बात नहीं बता रहे हैं कि ये कहन को वीवीआई, ये मस्ट वीवीआई, यानी कि ढेर सारा वीवीआई है। पता है क्यों? क्योंकि हर साल पूछता है, कह देगा ना 31 नंबर पे क्या है वो निकालिए, आ कुछ देवे नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत देगा। अब मैथ पता है बड़ी प्यारा चीज़ होता है, उसमें एक ही चीज़ जो दिया रहता है ना उसी से आंसर आ जाता है। कह रहा है 11वां पद 38 है, मतलब क्या ए 11 निकालिएगा ना, ए 11 नंबर पे तो 38 दिया है, मतलब ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ होगा एक नंबर दो नंबर ऐसे करते करते 11 नंबर पे 38 दिया है, वैसे ही करते करते 16 नंबर पे क्या दिया है 73 दिया है, क्या दिया है 73। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि भाई इसी तरह 31 नंबर पे क्या होगा। तो एपी का रूल है कि बिना पहला वाला जाने अब बीच का अंतर जाने नहीं निकलता है, तो पहले जो पता है वही निकलते हैं। ए 11 38 और ए 16 आपका 73 है, हो गया कि नहीं। चलिए ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, 11 पूछा है ना, तो 10 एगो जोड़िएगा 10D, ठीक, समीकरण एक। अभी एक मत लीजिए, ए 11 का मान भर दीजिए 38 बराबर ए प्लस 10D, अब समीकरण एक मानिए इसको। उसके बाद से वैसे ही कीजिएगा, ए 16 कितना हो जाएगा, ए 16 आपका हो जाएगा ए प्लस 15D, 16 का मान है 73, तो ये हो जाएगा ए प्लस 15D समीकरण दो। समीकरण एक और दो को घटा लीजिए, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण एक और दो को घटाने पर समीकरण एक माइनस दो, आप ऐसे मत लिखिएगा, एक और दो को घटाने पर लिखिएगा, ठीक। यहाँ लिखिए 38 बराबर ए प्लस 10D और यहाँ लिखिए आप कितना 73 बराबर ए प्लस 15D, घटा लीजिए इसको, खत्म हो गया ये, ए में से एक जाएगा खत्म, 15D में से अगर 10D घटाइएगा तो ये 5D माइनस में बचेगा, और ये 73 में से 38 को घटाइए तो सुनिए 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचा 5। उसके बाद से ये बच गया आपका 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 7 = 35, डी का मान आ गया 7। जब आप D का मान निकाल लिए ना, तब तो ये आराम से बन गया ना। D का मान ले जाके या तो समीकरण एक में रखिए, नहीं तो दो में रखिए। तो D का मान हम एक में रखते हैं, D का मान समीकरण लिख लीजिएगा एक में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 38 बराबर ए प्लस 10D, 38 बराबर ए प्लस 10, और D जहाँ है वहाँ 7 भर दीजिए, लेकिन गुणा में, तो 10 × 7 = 70 भर के इधर ला लीजिए, ये ए है, तो 38 − 70 बराबर ए। हमेशा याद रखिएगा जो दिया रहेगा वही भरेंगे, 11 दिया है तो 10D होता है, इसका मान भर दिए, यही काम करना है। जब ये घटाइएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस में, और ये हो जाएगा ए, तो ए बराबर आया आपका माइनस में 32। तो ये आप याद रखेंगे कि ऐसे करते करते ए का मान क्या होगा, माइनस में 32 होगा। तो कब, एक मिनट, 32 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 10 × 7 = 70, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और ये बच गया आपका 6 में से 3 जाएगा 3, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर आ गया इतना। अब यहाँ पे बोला है 31वां पद, ए 31 बोला है, तो लिख दो ए प्लस 30D, ये लिख दीजिए ए का मान माइनस 32 प्लस 30D का मान हो जाएगा 7, तो माइनस 32 प्लस 7 × 21 210 आया। ये घटा लीजिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ठीक है, ये भी 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7,
और ये हो जाएगा आपका कितना, एक। ठीक है, तो 178 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उसी तरह ये भी निकाल लीजिए, ये वाला लाइन से एपी दिया है, इसमें संख्या निकालना है। ये संख्या में नहीं दिया है लेकिन आपको सब संख्या निकालना है। तो जब ये आपको समझ में आया है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए, इसको थोड़ा इरेज करें हम। क्वेश्चन भारी नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्जाम देना है। यहां देखिए, अब पहला संख्या क्या दिया है, 2n-1, दूसरा संख्या 3n, मान लीजिए संख्या ही है, इतना 6n-1। कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी है, मैंने लाइन से सजा हुआ है, इसको एपी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एपी। और कह रहा है इसकी संख्या निकालिए ना इसको ओरिजिनल में, तो आपको n का मान निकाल लीजिएगा तो आराम से यहाँ भर के बन जाएगा कि नहीं संख्या। तो n का मान निकालने के लिए जब भी एपी में कुछ ऐसे दे दे, एबीसीडी कोई किसी का मान निकालना पड़े तो कुछ मत करना, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना, यानी 3n+2 में से घटा देना तुम 2n-1, अब बराबर दे देना फिर, क्योंकि बराबर होता है सर्व अंतर, 6n-1 और ये हो जाएगा आपका -3n+2। 3n+2 ये माइनस से सिंबल में गुणा, पहले सिंबल से सिंबल में कर ली, सिंबल माने चिन्हा ये वाला, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये 6n-1 और -3n और ये हो जाएगा माइनस में 2। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 3 में से 2n जाएगा तो 1n और 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। उसी तरह 6 में से 3 जाएगा तो 3n और 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। एक जात को एक जगह कीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आया, नंबर को नंबर के पास, तो हो जाएगा n-3n और -3 और -3, ये प्लस में इधर गया तो माइनस। 3 में से जब ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2n और ये माइनस में हो जाएगा 6, माइनस से माइनस खत्म, 2 3 6, n बराबर हो गया 3। तो जब n 3 निकल गया ना तो ये संख्या निकालना था, तो सुनिए ध्यान से, यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं, जब यहाँ n का मान 3 बजे, 3 × 6 में से एक जाएगा तो 5 कमा, फिर यहाँ 3 बढ़ेगा, 3 × 3 = 9 और 2 = 11 कमा, यहाँ पे भरिएगा तो 3 × 6 = 18, ठीक, 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो, एक मिनट, 6 × 3 = 18 और 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपका तैयार हो गया संख्या, जो ये दिया हुआ था और हमको ये निकालना था। यहाँ पे बीच का अंतर कितना का है, 6 गो का है कि नहीं, इसमें बीच का अंतर 6 गो का, इसका मतलब ये एपी सही है। तो यहाँ पे यही आपका एपी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, स्क्रीन शॉट बस लेते रहिए आप और इसको समझते रहिए, फटाफट रिविजन यहाँ पे बहुत ही शानदार देखते रहे। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणज। अब कहेगा सर ये क्या कह दिया, यानी 8 का पहाड़ा 15 बार लिखना है, तो आप तो 8 × 2 = 80 पढ़े हैं ना, ऐसा नहीं होता है। 8 का लिखिए 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 से करते करते 15 बार नहीं पड़ेगा, तो 15 से गुणा कर दीजिए सिंपल, तो 15 × 8 कितना होता है, तो हो जाएगा 120, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 15 का पहाड़ा लिखिएगा तो 15 × 8 = 120 तक चला गया। अब यहाँ पे आराम से मान, अब सबको जोड़ना है, इस सबको जोड़िए, तो यानी कि आपको टोटल ये 1 2 3, यानी कि ये एक नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसे करते करते ये कितना नंबर पे है, 15 नंबर पे है। तो एक ए से लेकर के 15 तक जोड़ना है, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे एस 15। फॉर्मूला क्या होता है जोड़ने का, n/2, यानी यहाँ 15 ही भराएगा, n की जगह क्या भराएगा, 15 ही भराएगा, और a+an, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 15/2 और यहाँ a का मान 8 + a 15, a 15 कितना है, इसको an भी कह सकते हैं, कितना हो जाएगा आपको 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15/2 120 और 8 = 128, कटा दीजिए 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 15 × 64, 15 × 4 = 60 के 0 हाथ में लगा 6, अब 15 × 6 = 90 और 6 = 96, ठीक है, 960 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़िएगा तो 960 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे गुणज का मतलब होता है उतना बार पहाड़ा लिखना है, किसका, 8 का, 8 के प्रथम 15 को गुणज लिखना था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, और आज का आखिरी क्वेश्चन इस लेसन का है, ध्यान से समझिए, इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन
कुछ ऐसे है कि किसी एपी के 17वां पद, यानी एपी के, मान लो एपी का मतलब लाइन से सजा हुआ है, जिसका 17 नंबर निकलना है, A17, तो 17वां पद की बात किया है, कितना है 10वें पद में 7 जोड़ दीजिए, यानी कि A10वें पद में कितना जोड़ दीजिए 7, ये अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका सार्वान्तर और प्रथम पद निकालें, तो यहाँ सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है A+16D17 पूछा है, तो इसका होता है A+9D, ये 7 हो गया, इतना तो कर सकते हैं ना, एक जात को एक जगह कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, एक मिनट, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। यहाँ पे सार्वान्तर निकालना है, यहाँ पे लाइए तो हो जाएगा A+16D-A, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में डी बराबर में 7, इससे ये खत्म हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7D=7, 7 से 7 खत्म हो गया, डी बराबर आ गया आपका 1, डी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो बस आपको डी निकालना है सार्वान्तर, और ये अपने से दिए हैं तो डी का मान ले जाके इस समीकरण में किसी में भर दीजिएगा, यहाँ पे ले जाके भर दीजिएगा तो ए का मान अपने से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा, और 6th लेसन में थ्योरम में उसमें कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे वो तो डायरेक्ट आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, ऐसा थोड़ी है। तो बिना देर के अगला लेसन देखते हैं। पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, यानी कि बाबू देखिए ये बस इसमें मात्र 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक 3 क्वेश्चन, मान लीजिए एक ये और एक 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है, ये फिगर वाला तो आप लोग देखे ही होंगे, हर साल पूछता है और ये चुटकियों में बन जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले आप एक चीज बताइए, ये एक त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना दिए, ठीक, उसके बाद से एक लाइन बना रहे हैं। अब बताइए कि अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब होता है जो जगह छेकता है ना, इतना दूर जगह छेका है, इसे क्षेत्रफल कहते हैं, और ये एक लाइन भी कुछ बोर्ड पे जगह छेका है ना हल्का सा, तो दोनों में कौन ज़्यादा छेका है, तो कहिएगा सर क्षेत्रफल ज़्यादा छेका है और ये कम छेका है, यानी कि ये जितना भी, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ वही चीज़ है, यहाँ पे भुजा दे दिया, इसको भुजा बोलते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, तो ये कम छेकेगा और ये क्या छेकेगा, ज़्यादा जगह छेकेगा, क्या छेकेगा, ज़्यादा जगह। तो यहाँ देखिए इका दिया है, भुजा दिया है 4 और 9, यानी ये कम वाला दिया है, इसको कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, यानी कम में दिया है और इसी को बना देना है, जो भी दिया है 4:9 दिया है ना, इसी को ज़्यादा नहीं क्षेत्रफल का अनुपात बता देना है, तो ये कम था और क्षेत्रफल का अनुपात ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा कर दीजिए, 4 में 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि डबल 4 चौका 16, 9 9 81, समझिएगा ध्यान से, जब भुजा दिया है अब बड़ा वाला निकालना है, 30 नंबरवा को बड़ा कर दिए, ठीक, लेकिन अगर बड़ा वाला दिया होता, ठीक है, जैसे मान लो कि बड़ा वाला क्षेत्रफल दे दिया हो, AO का 25 और AO का दे दिया हो 64, ये बड़ा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल दे दिया हो, ये बड़ा है क्षेत्रफल, कह रहा है भुजा निकालने के लिए, तो इसको छोटा करने के लिए ये 5 का स्क्वायर है, 5×5=25 होता है ना, तो सिर्फ 5 लिखेंगे अनुपात, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो छोटा कर दिए, तो बड़ा था तो छोटा कर देना, छोटा होगा तो बड़ा कर देना, सिंपल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, ये भुजा दिया था यानी कि छोटा दिया था, इसी को ना भुजा कहते हैं, निकालना था क्षेत्रफल माने बड़ा, तो इसका डबल कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और कितना हो जाएगा 9 का 81 हो गया आंसर आपका। वैसे ही 2 त्रिभुज के भुजा दिया है, क्या दिया है, भुजा 3 और 5 है, ठीक, अनुपात में दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दिया है इसको कहते हैं भुजा और इसको कहते हैं क्षेत्रफल, तो भुजा दिया है, क्या दिया है बाबू, भुजा दिया है, तो छोटा वाला दिया है, कौन कौन दिया है, 3:5, बड़ा में बदल दिया 3×9=25, 9:25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है, यानी बड़ा वाला दिया है, अब बड़ा को बदल देना है छोटा में, तो बड़ा में क्या दिया है, देखो तो बड़ा में दिया है 64 क्षेत्रफल है और 121, ये किसका 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, तो छोटा हो गया 8, 11 11 121, 11 में 11 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 8:11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जहाँ से ये बीच से त्रिभुज को तोड़ता है ना, क्या करता है, मान लीजिए कि हमने ऐसा फिगर एक बनाया, ठीक, और जैसे ही यहाँ से तोड़ते हैं तो जब भी देखना कि ये और ये लाइन पैरेलल दिया है, मैंने समानांतर ऐसे लिख देता है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस टाइप का वर्ड एक लिखेगा, यानी कि ये लिखेगा ABCDE, और ऐसे अगर लिख दिया कि ये जो यहाँ पे BC लाइन है, यानी BC लाइन है वो किसके, ऐसे DC के पैरेलल है,
DE के पैरेलल है, DE के क्या है, पैरेलल है, तो समझिए कि ये लाइन बट्टा में होता है। किस में होता है बाबू, लाइन बट्टा में होता है। इधर की भुजा अनुपात उसको बोलते हैं, बट्टा होगा का अनुपात। जैसे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा AD और बट्टा में ये हो जाएगा BD, ये दोनों बट्टा में होगा। जो चीज़ इधर होता है वही इधर भी होता है, तो ये AE और बट्टा में EC, इतना याद रख सकते हैं ना क्या। जैसे ही ये देखिएगा, ये ऐसे दिया है तो इसको बट्टा में कर दीजिएगा, सिंपल। अब देखिए ना, इसमें ये दिया है दो, ये दिया है तीन, यहाँ पे सब दे दिया है, ठीक है, 1.6 सिंपल है। ये दो दिया है ना A से D, AD की जगह दो भर दीजिए, बट्टा तीन, ये 1.6 दिया है, ठीक। और ये कितना दिया है, नहीं दिया है, इसी निकालना है, इसी का करना है, निकालना है। यहाँ कटा दीजिए 2 8 16, और तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, तो इसी में इधर गुणा कीजिएगा तो इसी, और ये 8 3 24, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक बार ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन उसमें साउंड आया ही नहीं था, ठीक है, रिकॉर्डिंग ही नहीं होता तो आवाज़ नहीं आएगा, तो मेरा क्या, सिर्फ इशारा देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं इसका, इसका बात करते हैं क्वेश्चन, तो ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे पहले एक फिगर से और क्वेश्चन देख लीजिए। हमेशा क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है, एक त्रिभुज बनाएगा और त्रिभुज के बाद से ये वाला लाइन खींच देगा डी और ई, ठीक। अब कहेगा, कह देगा कि ए से सी, ए सी बराबर दे देगा 8, ठीक है, चाहे ए सी बराबर तुम ले लो 9, कितना ले लो 9 ए सी, और कहेगा कि ई सी निकालें, और इधर भी दे देगा, इधर कहेगा ए डी बराबर मान लीजिए कि 4 है, ठीक, और उसके बाद से आपका कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ए डी ले ले रहे हैं हम 4, ठीक, उसके बाद हम ले लेंगे 5, कितना ले लें हम यहाँ पे डी से बी बराबर 5 ले लें, समझिएगा ध्यान से क्या है। तो एक ट्रिक आज बता रहे हैं आपको, और ये बन जाएगा आपको। सबसे पहले ये देखिएगा कि निकालना किधर का है, तो ईसी निकालना है इधर का है, तो जो निकालना है पहले वही ले लीजिए ईसी अब बट्टा, ठीक। इधर का दिया है तो इस साइड एसी दिया है, पूरा लाइनवा दिया है, एसी कितना 9, तो सुनिए जो निकालना है पहले वो लिख लीजिए, और जो उधर उसी साइड जो दिया है वो लिख लीजिए, तो एसी दिया है, इतना समझ में आया। अब देखिए ना, इधर जब ईसी लिए हैं तो इस साइड इसी के देखा, देखिए ये वाला ले लीजिएगा, ठीक, बी डी हो गया। अब इधर एसी लिए हैं पूरा, तो इधर भी पूरा ले लीजिए, क्या हो जाएगा इधर पूरा, इधर पूरा हो जाएगा आपका बी और डी, हो गया कि नहीं, बी डी। अब जो दिया है भर दीजिए, ए डी दिया है 4, ये दिया है आपका 5, और ये ए से सी 9, अब इसका मान भरिए, ई सी निकालना है, क्या करना है, ये निकालना है, ए सी दिया है 9, ये वाला देखिए बी डी, तो बी डी एक काम कीजिए, बी से डी मत, हाँ ठीक है, बी डी आपका है 5, उसके बाद ए बी होगा, यहाँ पे क्या होगा ए बी, ये कैसे होगा, क्योंकि इधर ए सी लिए हैं ना, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा ए सी, समझिए हम क्या बता रहे हैं, इधर और बड़ा वाला लिए हैं, क्योंकि जो निकालना था वो लिए और जो दिया था वो लिए, सेम वही काम इधर, इसके बदले इसको और एसी के बदले ए बी को लेंगे, तो ए बी यहाँ से यहाँ कितना है 9 और 4 कितना, 5 और 4 कितना लिया है 9 लिया है, कितना लिया है 9, ये भी हो जाएगा आपका 9, ये भी हो जाएगा 9, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 से 9 खत्म, ई से सी बराबर 5, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसका सभी बाहें बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु जिसकी सभी लाइनें क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं ऐसे, ठीक, जिसकी सभी लाइनें बराबर हो, जिसमें भुजा दिया है, तो सब लाइन बराबर हो, तो भुजा एगो दिया है 12 12 12, ठीक, तो जब एगो दिया है तो सब तो 12 ही ना होगा, क्योंकि सब लाइन क्या है बाबू, बराबर है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई निकालें, इसकी क्या निकालें, बीच से ले लो ऊंचाई, ये वाला कितना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ से इसको तोड़िएगा बीच से, तो पूरा 12 था, तो आधा कितना हो जाएगा 6, अब आधा जब ये वाला 6 हो गया, ये कर्ण दिया है, तो लम्ब नहीं निकल जाएगा कर्ण वाला फॉर्मूला से, यानी पाइथागोरस फॉर्मूला से, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम मिटा दें, तब इस फिगर को मिटा दें, अब तो पता होगी ये 6 है, तो कर्ण बराबर का होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका ट्रिक तो बता ही थे सब, कर्ण दिया है आपका ये बड़ा वाला 12 का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है, लंब माने ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई का स्क्वायर, और आधार दिया है 6 का स्क्वायर, यही तो निकालना है, 12 12 144 इंच स्क्वायर प्लस 36, इसको घटा दीजिए, 144 माइनस 36
एच स्क्वायर, इसको होगा तो 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, एक मिनट, 36 होगा ना, ठीक है, तो 14 हो जाएगा, ये 13 में से 3 जाएगा, ये 10 हो जाएगा एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 108 बराबर एच। अब एक बार और चीज़ ट्राई कर लें, 108 को निकाल लें, तो जब हम 108 को निकालेंगे ना, 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 से हो जाएगा 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27 हो जाएगा 3, यानी कि जब हम 108 को तोड़े थे तो ऐसे आया है, 2 गुणे 2 3, 3 3 आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जो जोड़ा में रहता है उसे बाहर निकाल दो, तो ये जोड़ा में है बाहर निकाल दिए, ये भी जोड़ा में है बाहर निकाल दिए, और इधर बच गया आपका 3, 3 दूना 6 रूट 3 बराबर एच, एच यानी ऊंचाई है, आया है आपका 6√3। तो ऑप्शन में देख लेंगे 6√3 आया कि नहीं, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप यूं ही बना सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए। यहाँ देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, माने दो त्रिभुज के तो वैसे तीन को कोण होता है, 1 2 3, और एक क्वालिटी क्या होता है कि तीनों को जोड़ दीजिएगा ना तो सब मिला के 180 रुपया होगा, यानी 180 पूरा होता है, ठीक। तो यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर, यानी कि दो ये को जोड़ो ये दोनों को, तो तीसरा के बराबर आता है, मान लीजिए इसको इसको जोड़ो तो ये जितना भी बन रहा है ये तीसरा के क्या आ रहा है, बराबर। जैसे मान लो कि ये हम लिख दे थोड़ा देर के लिए, अगर सही नहीं बता रहे, गलत बता रहे हैं, यानी 90 है तो जाहिर सी बात है ये 45 45 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर आ रहा है ना, 45 45 90, इसके बराबर आ रहा है। वो वैसे ही कह रहा है कि दो को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तीसरे के बराबर। तो यहाँ देखिए 45 और 45 90 90 है ना, यानी कि दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर, क्योंकि त्रिभुज में तीन को कोण दिया है, तीनों कोण दे दिया है, इसको भी जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, जो तीसरे के क्या है बराबर है, इसको जोड़ने पर नहीं आ रहा है, इसको जोड़ने पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, अब बस गया दो। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों कोण का अंतर, जो दोनों कोण को जोड़ रहे हो ना तो तीसरे के बराबर आ रहा है, ये दोनों कोण जो भी होगा, ये दोनों कोण जो भी होगा इसके बीच के 50 ओ का अंतर होना चाहिए, तो इसमें तो 50 ओ का है नहीं तो ये होगा नहीं। देखो इसमें 50 ओ का है, 20 और 70 में 50 ओ का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बाबू ये बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स में ना नंबर लाना ना बहुत, मतलब आप चाहेंगे ना तो इस एक वीडियो से आप 85 90 तक ला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका पूरा सही हो जाएगा, ये मेरे गारंटी है। 50 में पूरा 100 में 50 को आपको तो पूरा इजी वे में याद होगा, 85 को बनाना होता है, 51 52 को मारने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इसका लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है हम इसके लास्ट में बताएंगे, पहले पूरा ऑब्जेक्टिव बता ले, पता है क्यों, हो सकता है समय नहीं मिले, सरस्वती पूजा का दिन चला है तो कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, तो बड़ी परेशानी हो रहा है काटने में करने में, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस लेसन में कुछ नहीं है, सबसे पहले अगर दो नंबर और तीन नंबर की बात करें, ठीक है, तो यहां देखिए संरेख वाला आप पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू, संरेख और समदूरस्थ, ये दो ही तो क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इसमें जितना क्वेश्चन होगा संरेख और समदूरस्थ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एक बार, अभी देखिए एग्जाम के एक दिन पहले जब आप हिंदी का एग्जाम देकर के आएंगे, उसके बाद से आप मैथमेटिक्स का सिर्फ रिवीजन जरूर करेंगे, इस मैराथन वीडियो के माध्यम से रिवीजन जरूर करेंगे, और प्लीज इसको ज्यादा शेयर कीजिएगा। यहां देखिए संरेख और समदूरस्थ क्या करना है, बस एक बार रिवीजन कर लेना, और एक और काम करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो भी फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करके उस पर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस उसके बाद से इस लेसन का कहानी खत्म। यहां देखिए ये जो है आपका, ये थोड़ा सा देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक माने निर्देश करना, इसमें ऐसे प्लस जैसा सिंबल रहेगा ऐसे, ठीक है, यहां देखिए ये, अच्छा बताइए वाई ऊपर से लेकर नीचे जाता है ना, तो ऊपर नीचे वाले को क्या कहते हैं वाई, और जब एक्स लिखिएगा तो एक इधर लिखाता है और एक इधर लिखाता है, तो इसको कहते हैं एक्स, और इसको इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊपर से नीचे लिखते हैं तो इसे वाई अक्ष कहते हैं, समझ गए, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, ठीक, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक कुछ भी कह सकता है, ठीक, ऐसे कहते हैं कोटि, क्या बोलते हैं इसे कोटि, ये भी रट लीजिए कि इसे भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं, कोई दिक्कत, भुज और कोटि। उसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि इधर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है माइनस, इधर भी माइनस होता है, इधर भी क्या होता है माइनस, इधर प्लस होता है 1 2 3 4। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा -2, 1 किस बॉक्स में आएगा, किस बॉक्स में नहीं, किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश माने ये चार हिस्सा का एक अंश को चतुर्थांश कहते हैं, तो -2 x का मान, पहला वाला x होता है, पहले x आता है ना,
और बाद में क्या आता है वाई आता है, ठीक है। तो पहला वाला एक्स का मान माइनस में है, तो इधर प्लस में भी एक्स है माइनस में भी, तो पहले इधर लेना है, उसके बाद से दो, दो ये वाई है तो प्लस में है इधर, यानी ये दो नंबर यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है, ये आपको पता होना चाहिए पहला यहाँ से। दूसरा कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना एक्स अक्ष के बारे में क्वेश्चन दे दिया है, देखिए ये क्वेश्चन में एक्स अक्ष है तो उसका आंसर मेरी गारंटी है कि वाई ही होगा, रट लीजिए। अगर वाई दिया होगा तो उसका अपोजिट एक्स होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3.4 और -3.8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है, तो ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन समझे, कह रहा है कि एक तरफ है 3.4 एक तरफ, एक बिंदु के तरफ है आपका -3.8, इसको मिलाया जाएगा ना तो कहीं मध्य बिंदु होगा, इसको निकालना है। तो इसका तो ट्रिक आसान है ना, ये दुगो को जोड़ दीजिए, इसका पहला वाला 3 आप प्लस जोड़ दीजिए -3, और दो को जोड़ने तो 2 से भाग, अगर 3 को जोड़ दे तो 3 से भाग होता है। इसको भी जोड़ दीजिए वाई वाले को 4+8, ठीक है, बटा में 2, ये तो खत्म होकर 0/2 आ गया, और 8 × 4 कितना हो जाएगा 12/2, ये हो गया आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु माने ऐसे होता है ना, और कोई मान लो कि यहाँ पे दे दे 3.4, तो कह रहा है कि यहाँ से ये दूरी कितना दूर है, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, वैसे वो फॉर्मूला होता नहीं है, बीच की दूरी का ही फॉर्मूला है, कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, तो सिंपल एक्स का मान भर दीजिए तो -6 का स्क्वायर और प्लस ये वाई का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब मत कहिए सर माइनस क्यों नहीं लिखें, जब किसी चीज़ को दो बार लिखते हैं ना गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का 36 प्लस में 36 हो जाता है, और 8 × 64 ये दोनों मिला के 100 होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, रूट से बाहर निकल जाएगा 10। लो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे 10 इकाई लिख लीजिए, 10 इकाई आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 6 का 36 तो सही लिखे, 8 × 64 36 64 100 होता है, 100 × 10 ये 10 ही आंसर होगा, ऑप्शन सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए कार्तीय तली, अब कहेगा एक कौन प्रकार का तली है सर, कार्तीय तली इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, इसी को कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है। कार्तीय तल में स्थित एक बिंदु है 3.-4, तो आपको पता होना चाहिए कि 3.-4 है, तो पहला वाला को भुज और दूसरा वाला वाई को कहते हैं कोटि, तो पूछ रहा है कोटि का मान, तो ये कोटि माइनस चार, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। यदि वृत्त का व्यास, चलिए यहीं पे बना देते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक, अब वृत्त का व्यास, व्यास हो गया ना बीच से कटे उसे व्यास कहते हैं, कि दोनों सिरों पर 2.3 एक बिंदु है, 2.3 और -6.7 ऐसे है, और कह रहा है केंद्रक निकाले बीच वाला, अरे वही तो सेम है, ये दो लाइन था और दोनों लाइन के मध्य वाला निकालना है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पहला वाला के साथ जोड़िए, तो जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 2+, जोड़ना क्या है -6/2, और ये 3 और 7 3+7/2, 6 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए अगर आप खुश नहीं है, तो 6 में से 2 जाएगा -4/2, और ये हो जाएगा 10/2, कटा दीजिए तो 5, ये कटा दीजिएगा तो 2 -2.5 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में -2.5 ए ऑप्शन सही है। वाई अक्ष से दूरी, चलिए मान लीजिए कि आपने ऐसे बनाया, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, तो कह रहे हैं वाई अक्ष से अगर आप दूर जाएंगे तो किधर बढ़ रहे हैं, एक्स के तरफ ना बढ़ेंगे, वाई अक्ष से इधर जाएंगे तो या तो इधर बढ़ेंगे नहीं तो इधर बढ़ेंगे, तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, यही हम आपसे क्वेश्चन पूछें, उससे क्वेश्चन कहाँ है तो लिख लीजिएगा एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स अक्ष, जब भी वाई का क्वेश्चन कोई करे तो एक्स आंसर हो जाएगा। -8.6 किस चतुर्थांश में है आप बताइए, तो फिर वही बातें हो गई बाबू, -8.6 तो यहाँ पे आप खींच लीजिएगा, क्या लाइन खींच लीजिएगा, कह रहा है माइनस, तो पहला वाला एक्स माइनस इसमें और वाई प्लस में, द्वितीय वाला में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, एक मान लो कि यहाँ पे हो गया ठीक -6.7 और एक हो गया -1.3। लड़का सबके दिमाग में, जानते बाबू आप लोग के दिमाग में क्या आता है कि हम मध्य बिंदु पूछे, अरे नहीं बाबू हम बीच की दूरी माने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर है भाई, मतलब ये
जो दोस्त है ये दोस्त से कितना दूर है, कौन मीटर दूर है, तो दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है एक्स टू एक्स वन पहले दू वाला अब प्लस वाई टू वाई वन माइनस ये रहेगा। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन, अब फॉर्मूला भर लीजिए एक्स टू, तो एक्स टू पहले दू वाला माइनस वन और माइनस कितना हो जाएगा माइनस छ, अब प्लस वाई टू, वाई टू मतलब तीन और माइनस सात का स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस छः का स्क्वायर, और ये सात में से जब तीन को घटाएगा तो माइनस में चार का स्क्वायर, ये देखिए छः में से एक जाएगा तो छः में से एक घटेगा तो पाँच, अब पाँच का स्क्वायर पच्चीस, और ये हो जाएगा चार चौका सोलह। ठीक, एक बार जोड़ के देखते हैं, छः पाँच ग्यारह के एक हाथ में एक दो एक तीन एक चार, अंडर रूट इकतालीस ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये मिस्टेक ये भी हो गया है। ठीक है, किसी पहाड़ा में नहीं आता है, एक बार और चेक कर ले, रीचेक कर लेते हैं, बीच की दूरी निकालना है, दूरी सॉरी बीच की दूरी x2, x2 ठीक है माइनस होता है x1, x1 भी ठीक है ये भी चलेगा, उसके बाद से y2 तीन और y1 माइनस सात ये भी चलेगा, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका घटेगा तो माइनस चार, ये आपका हो जाएगा पाँच, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, चार का स्क्वायर सोलह, पच्चीस और सोलह इकतालीस होता ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, ये भी ऑप्शन मान लीजिए कि अगला ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वैसे रूट इकतालीस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अब कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज के तीन को हिस्सा दे दिया है, अब पूछ रहा है बिचवा वाला निकालिए केंद्रक, तो आप बताइए इसमें जब मध्य बिंदु निकाल रहे थे तो दो को दिया था, तो ये पहला वाला के साथ जोड़ के दो को जोड़े हैं तो दो से भाग, तो इसमें सबका पहला वाला जोड़ दीजिए, तीन को जोड़ रहे हैं तो तीन से भाग, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं चार प्लस तीन प्लस दो, तीन है तो तीन से भाग, अकमा उसे ही पाँच प्लस आठ प्लस दो और वैसे तीन से भाग। ठीक हो गया, ये भी बीच वाला निकालने का यही तरीका है, चार तीन सात आ दो नौ बट्टा तीन, और ये हो जाएगा पाँच और आठ सॉरी आठ आ दो दस और पाँच पंद्रह बट्टा तीन, तीन तरीका नौ और तीन पचे पंद्रह, यानी कि इधर आया तीन और इधर आया पाँच, तीन कमा पाँच आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। और इस लेसन में आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, आखिरी बार तो तैयारी कही मत कि आप जाने दीजिए जो हुआ सो हुआ, अरे इस बार थोड़ा सा लापरवाही कर दूंगा ना, ये रिजल्ट पूरी जिंदगी रहने वाली है, लास्ट बार देख लीजिएगा कौन कौन संरेख और समदूरस और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये। हाँ, एक और चीज, अनुपात वाला एक क्वेश्चन होगा जिसमें विभाजन फॉर्मूला लगता है, उस क्वेश्चन को एक बार बस प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा मत, उसको एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, आखिरी रात आपको यही काम करना है, बस ये बना लेना है अनुपात वाला विभाजन सूत्र से, आपसे इजी वे में सब ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा, बिना देर के हम एट लेसन देखते हैं। ये आठ लेसन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि देखिए ये आठ लेसन और नौ लेसन मिलाकर के त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्रिक जो होता है इससे लगभग 40 नंबर का पूछता है, और अगर आप एक बार ये तैयारी कर लिए ना तो समझिए कि आपकी पूरी तैयारी हो गई, और 95-97 नंबर यानी 95-97 जितना भी नंबर ये आराम से आ सकता है इजी वे में। लेकिन इससे पहले इसके पूरे फॉर्मूले के बारे में आपको जानना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से चार क्वेश्चन पूछता है कि पूछ देगा 1 + 10² θ = क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, देखिए यहाँ पे नॉइजिंग के कारण बहुत सारा परेशानी हो रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए और एक काम कीजिए, एक वीडियो जाकर के आपको देखना है जो लगभग 2 घंटा का है, कितना देर का है 2 घंटा का है, जिसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला का ट्रिक पूरा बना दिया गया। अब ये सर इतना समय नहीं है, अरे बाबू एग्जाम के एक रोज पहले देखना है, क्या कीजिएगा उस दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए जिस चीज का एग्जाम अगले दिन होने वाला हो, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला, वैसे देखिए आप 6 फॉर्मूला को याद कर लीजिए बस, 6 फॉर्मूला मतलब क्या 1 वाला, यानी कि 1 का 6 फॉर्मूला होता है। आप तो सुने होंगे कि सर हम तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, अरे 1 का 6 होता है 2, 4, 5, 1, 6, और ये 6 याद करने का ट्रिक भी है, बस इतना बता के ये ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत आसानी तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए आप बड़ी आसानी तरीका से क्या जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, लाइन से नाम बस दिमाग में रखिए, 10θ साइन कॉस 10, उसके बाद कॉसेक सेक थीटा और कॉट थीटा, अगर ये लाइन से याद कर लेना ना, बस लाइन से यही याद कर लेना तो समझिए आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। 3 को 1 वाला, इस 3 को उठा के सामने रख दीजिए, जैसे ये 3 को उठा के सामने रखिएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा सेक थीटा, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा
कॉट थीटा, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं इस तीन को उठा के सामने, और खाली इसमें बीच में गुणा लगा देने से इसका फॉर्मूला वन बन जाता है। तो जब भी हम आपसे क्वेश्चन करें देखिए या फिर एग्जाम में करें तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, हम पूछे देखिए ये तीनों का संबंध कितना अच्छा है, ये तीनों एक ग्रुप का हो गया कि नहीं, जब भी आपसे क्वेश्चन दे वन बट्टा कॉट ये बट्टा में आ जाता है तो सोचिएगा कि वन आ ही गया कॉट आ ही गया तो इसका दोस्त और कौन बच रहा है, तो ये देखो तो तीन दोस्तों की कहानी है कि नहीं, बस जो बच जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हम बोल दे वन बटा साइन क्या होता है तो सोचिएगा, अच्छा एक मिनट वन भी है और साइन भी है, किस फॉर्मूला में वन साइन दिखता है तो साइन ऊपर भी है और वन इसका कब होता है तो इसमें दिखता है, इसका मतलब किसकी कमी खटक रही है कौशिक का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कौशिक हो जाएगा। डायरेक्ट यही देखिए बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ये तीन फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो आप बताइए वन बटा कॉस थीटा, तो आप दिमाग में लगेगा कि वन और कॉस, तो जब हम तीन को ऊपर ले गए थे कॉस के सामने सेक आया था, तो जब वन और कॉस साथ में है तो कमी किसकी है, कमी सेक की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, जब वन कॉस है तो सेक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इतना जब आपको याद हो जाएगा ना तो एक ट्रिक बता रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा और फेमस ट्रिक है, पता है क्या, मामला को सेट कर दो, क्या ट्रिक है मामला को सेट कर दो, सेट अगर याद कर लिए तो सब याद हो गया, मामला को सेट कर दो। ये देखिए ये मल्टीप्लाई ग्रुप है, ये गुणा का ग्रुप है, गुणा वाला है ना, ये सब गुणा से बना है, और ये स्क्वायर वाला है, मतलब ऐसे स्क्वायर किया जाता है ना ऐसे, मामला को सेट कर दो, एस ई से हो जाएगा सेक थीटा माइनस, अच्छा देखिए जब आप टी बनाते हैं तो ऐसे देते हैं ना टी, तो टी वाला ये माइनस डाल दीजिएगा, इसको पीछे कीजिए टी, और टी से होता है क्या टेन थीटा, और ये स्क्वायर ग्रुप का है ना तो इसमें डाल दीजिएगा स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू वन होता है, समझ में है, मामला को सेट कर दो याद करना, हो जाएगा से थीटा और टी से टेन थीटा। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सेक और किस नाम में इसमें सेक आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है देखिए तो इसमें आ रहा है तो बस सेक आ रहा है तो इसमें सेक लिख दीजिए एस सी ओ एस ई सी, ये वाला इसमें भी सेक इसमें भी सेक, माइनस है तो माइनस, कितना अच्छा ट्रिक है ना। टी और इसमें टेन में तो टी आता है और कॉट में टी आता है तो यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर वन, दो फॉर्मूला आपको पता हो गया। तो जब भी कभी क्वेश्चन दे दे ऐसे वन प्लस टेन थीटा स्क्वायर, तो जानते हैं अब दिमाग आपको क्या लगाना है, समझिएगा ध्यान से, अच्छा स्क्वायर ग्रुप का है और स्क्वायर ग्रुप का है और 10 और 1 है तो किसकी कमी है, तो इस ग्रुप में जब 10 और 1 है तो मामला को सेट कर दे सेक की कमी है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मामला ये फंस गया कि दोनों तो ये हो गया आराम से आप बना लेंगे, लेकिन अब बच गया जानते हो कौन, ये देखिए ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फेमस फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब कहिएगा सर हमको कैसे याद रहे कि प्लस है कि माइनस है, तो देखो ये दोनों गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तू तो अपना ट्रिक बना लिया मामला को सेट कर दो, अपने ही में अपने भईवा को जोड़ लिया, तुम्हारे में था तो सेम टू सेम दिखा तो तुम अपने में रख लिया और टी इसमें दिखे तो टी रख लिया, हमारा तो कोई मैचे नहीं किया, इसीलिए हम स्क्वायर ग्रुप के तो रहेंगे, किस ग्रुप के रहेंगे, ऊपर स्क्वायर रहेगा लेकिन तुम्हारा सिंबल नहीं देंगे, तुम्हारे ग्रुप से हम अलग रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तू अपने में इस देखो सेक से कोसेक बना लिया इसको, मेरा क्या होगा इसका क्या होगा, इसीलिए माइनस को छोड़ के दोनों स्क्वायर में रहा लेकिन प्लस हो गया और इसका वैल्यू क्या होता है वन होता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहां देखिए अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम हटाते हैं ठीक है और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे 15 कॉट इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, अब कहिएगा इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, कितने तरह का, दो, यहाँ लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है, अब एक बता रहे इस आधार पर सब बन सकता है, इसको बट्टा में भेज के पूछ सकता है, पूछ सकता है कि कॉट ए बराबर 8/15 ऐसे भी दे सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो कुछ नहीं एक काम, पहले फिगर बना लीजिएगा ऐसे, हमेशा इसमें ये 90 डिग्री वाला ही फिगर बनेगा ठीक है, सबसे पहले आप एक फिगर 90 डिग्री वाला ऐसे बना लीजिएगा ठीक। अब बताइए कि इस फॉर्म में हो तो आखिरकार इसमें चेंज करना ही होता है, कभी कभी यही डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कॉट ए बराबर का होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार और बट्टा में लंब, ये होता है ना, यानी आधार 8 है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम ए डालें बी डालें और सी डालें, तो देखिए ए है ना यहाँ पे, तो ए के लिए सामने वाला लंब होता है, हमेशा याद रखिएगा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा तो ई वाला आधार होगा ए बी, तो आधार दिया है 8
और लंब सामने वाला एक के लिए लंब कितना 15, तो जब ये 8 और 15 दिया तो पहले तीसरा लाइन निकाल ही लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो 8 और 15 दिया है तो निकाल लीजिए एसी, एसी बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है इतना तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 15 225 हो जाएगा, ठीक है यहाँ देखिए। चलिए क्वेश्चन भी ठीक है ऐसे 15 हो जाएगा, 8/15 ये हो जाएगा सामने वाला लंब तो हो जाएगा आधार होता है, ठीक है आधार बटा कर्ण, ये जोड़िए थोड़ा सा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9 और ये 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 और ये 2, ये 17 का होता है। कितना का स्क्वायर करोगे तो 17 का, 17 में 17 से गुणा करोगे तो 289 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हो गया ए सी 17 आ गया। जब इतना कर लिए ना तो यही ना निकालना है साइन ए, वैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ए के लिए लंब कौन, तो ए के लिए सामने वाला लंब 15 और कर्ण हो जाएगा आपका 17, तो 15/17 आपका ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब रही बात इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत विद्यार्थियों को डाउट हो रहा है, बहुत बार कमेंट में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। लास्ट वाले नंबर को ध्यान से देखिए, कॉस 90 का मान होता है 0, अब जब इसका मान 0 तो 0 में किसी भी चीज़ से गुणा कीजिएगा उसका आंसर हो जाएगा 0। और इसका तो ट्रिक बड़ी आसान है, पता है क्या है, जब भी देखिएगा कि वो 1049 इसका तो मान होता ही नहीं है, हम लोग क्या पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं, 45 30 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, इन्हें पढ़े हैं 90 पढ़े हैं, इतना तक पढ़े हैं लगभग 60-90। अब बताइए इसका कहाँ होता है, तो जब देखिए इसका वैल्यू नहीं होता है और ये बट्टा में दिया हो, किस में दिया हो बट्टा में, तो उसका आंसर 1 होगा, क्या होगा 1, और जब यही चीज़ माइनस में दिया हो तो उसका आंसर 0 होगा। समझ में आप क्या बोले, अब कहिएगा सर ऐसा होता क्यों, आप दिमाग क्या लगाएगा, इसको चेंज कीजिएगा, यही ना कीजिएगा, आखिरकार काटिएगा एक जैसा होगा तो एक ही होगा, और ये एक जैसा अगर बनाइएगा और घटाइएगा तो 0 होगा, तो बट्टा में होगा तो 1 और माइनस में होगा तो 0 होगा, इसका आंसर बनाना है। यहाँ देखिए ये भी तो बहुत आसान है ना, यहाँ देखिए कैसे ये कैसे आसान हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 2 sin a - 1 = 0, इसमें a का मान निकालना है, और मैथ का एक प्यारा रूल है कि जिसका मान निकालते हैं उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये पहले इसको इधर जो दूर है उसको दूर करते हैं, तो 2 sin a = 1, अब ये बट्टा में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। अब बताइए कि ये वाला में ए निकालना है तो ए कैसे निकलेगा, जब ये साइन हट जाएगा, और साइन जानते हो कब हटेगा, जब 1/2 किसी ना किसी का मान होता है साइन में, ठीक है। तो आपको अगर मेरा ट्रिक याद होगा तो याद कीजिए कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो अगर हम लिख दें यहाँ पे साइन ए यानी कि साइन थीटा साइन 30, यहाँ ये मान होता है 30-60, 30 के लिए लंब बटा कर्ण, यानी कि आप ट्रिक देख लीजिएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा तो ठीक है, ट्रिक आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मत देखिएगा, उतना अब एग्जाम है तो देखने जाइएगा, शॉर्ट्स में एक बनाए हैं हम, यहाँ हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, साइन से साइन खत्म, ए बराबर क्या हो गया 30। अब कहिएगा आपके दिमाग में कैसे आएगा साइन से साइन खत्म, ए कैसे बचेगा, जब साइन हटेगा तब है ना, तो हटाने के लिए इधर साइन होना चाहिए काटने के लिए, तो हो सकता है कहीं 1/2 साइन में किसी का फॉर्मूला होता, यही होता है, तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एक और चीज़, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो और बट्टा वाला ऐसे दिया हो, सुनिए ध्यान से, पहले बट्टा वाला साइन बी प्लस सी बाई ए, तो बी या सी दे दिया है, ए का है छोड़ दिया, ए बी सी लाइन से देना चाहिए ना, तो उसके बाद वाले आंसर में तो सब में ए है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग को नहीं समझ आया, जब साइन होगा यहाँ पे तो आने वाला आंसर हमेशा कॉस में होगा, साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, अगर टेन होता तो कॉट में, कॉट होता तो टेन में, सेक होता तो कॉसेक में, कॉसेक होता तो टी वाला टी में बदलता है, सेक वाला कॉसेक COSEC, इसमें कॉसेक सेक वाला सेक में और साइन वाला कॉस में, तो यहाँ साइन है तो इसका कॉस वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अब रही बात ये वाला क्वेश्चन का, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे है 2 sin 2 थीटा, कुछ नहीं करना है, थीटा बचा लेना है, ये वाला बचा लेना है, ठीक। इसका मतलब कुछ काट पीट करेंगे तो चलिए, एक तो ये तो सेम टू सेम पता है किस तरह है, इस ये वाला क्वेश्चन की तरह है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 sin 2 थीटा = √3, जिसमें थीटा का मान निकालना है, कोई बात नहीं निकल जाएगा सिंपल, पहले इसको बट्टा में भेजते हैं, तो sin 2 थीटा = √3/2। अब कहिएगा सर 2 को नहीं भेजेगा, बाबू ये 2 थीटा के साथ है, थीटा को थोड़े हटाते हैं। अब बताइए
अब साइन को हटाना है, दो को हटाना है, साइन कैसे हटेगा, इधर साइन रहेगा तब ना कटेगा, तो उसके लिए रूट थ्री बाई टू यहाँ देखेंगे किसका मान होता है, एक दो रूट तीन, यहाँ होता है 30, यहाँ होता है 60, तो आप देखिएगा साइन 60, 60 लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा साइन 60, साइन से साइन खत्म, 2 थीटा बराबर 60, अब दो से कटा दीजिए 30, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, आपका ऑप्शन कहाँ है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला अगर फॉर्मूला याद है, अगर बाबू याद है तो आपको कमेंट में बताना है, आप बताइए, स्क्वायर ग्रुप में जाइए, मामला को सेट कर दो चले गए, यानी कि सेक और टेन होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब वन है और टेन है, इसका मान निकालना है, समझिएगा वन है और टेन है, तो मामला को सेट कर दो, मैं सेक बच रहा है ना, तो यहाँ फॉर्मूला तो आराम से आप समझ गए, अगर ये समझ गए प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस सी ओ टी स्क्वायर, तो बताइए वन और टेन है तो घट रहा है कौन, सेक थीटा हो रहा है ना, वन और कॉट है तो सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर फॉर्मूला इसका भरिएगा मल्टीप्लाई ग्रुप, तीन को उठा के रखे थे ना ऊपर, तो सेक थीटा, सेक पता है उसमें किसके साथ था, याद करो सेक कॉस के साथ था, आप अगर याद करें तो देख सकते हैं यहाँ पे, और कोसेक साइन के साथ था, ठीक है, साइन ये ऊपर चला गया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा नीचे, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, एक ट्रिक है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस होता है टेन थीटा, तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो ना हो, कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया हो, तो यहाँ पे दिया है। अब एक लास्ट बच गया ये मीनार वाला, वैसे ये क्वेश्चन का ट्रिक बहुत आसान है कि मीनार की ऊंचाई इतना है, छाया की ऊंचाई, ये आसान है, लेकिन उतना समय नहीं है कि हम बता पाए। यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब बहुत कोई ऊंचा चीज़ को मीनार कहा जाता है, मान लो ये मीनार हो गया, ये ज़मीन है, पहले ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, इस पर से कुछ ऊंचा है, कितना 10 मीटर ऊंचा एक दीवार है, ठीक, और उन्नयन कोण हमेशा नीचे से देखोगे, नीचे से नयन को ऊपर करोगे तो उन्नयन यहाँ बनेगा, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कितना डिग्री है 45 डिग्री, ये भी हो गया 10 मीटर, तो कह रहा है छाया की लंबाई निकालना है, तो आप बताइए छाया कहाँ है, जब ये है जमीन इधर सूर्य रहता है तो छाया यही ना है, इसकी लंबाई निकालना है, तो ये तो सबसे आसान है, सिंपल, आप बताइए लंब दिया है, क्या पूछा है आधार, तो आप बताइए लंब दिया है आधार पूछ रहा है, तो ये दोनों नाम किस में आता है, या तो कहेगा सर टेन थीटा में आता है या कॉट थीटा में, तो दोनों में से किसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, चलिए टेन का लगाते हैं, टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, ये दोनों नाम है टेन, थीटा का मान है एक और लंब है 10, और आधार, आधार तो निकालना है ना, छोड़ दीजिए नहीं पता है, तो यहाँ देखिए 45 डिग्री, टेन 45 का मान एक होता है और ये 10 बराबर आधार, ये तिरछा तिरछी गुणा तो हो जाएगा आधार बराबर 10, ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 10, ऑप्शन इसका नहीं दिए थे, लेकिन इसका भी आंसर कितना आएगा बाबू, इसका भी आंसर यानी कि 10 ही आएगा, 10 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और हाँ एक आपको इम्पॉर्टेंट सूचना बता दे, सुनिए ध्यान से, यहाँ तक तो आपको मैंने एट लेसन बता दिया, इसका सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग टाइप नहीं बताया है, ठीक है, एक मस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्लेलिस्ट में जाकर के पहले देखिएगा, एक वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट है, इसके बाद से इसमें थोड़ा सा परेशानी क्यों आ रहा है कि ये वीडियो इनकम्प्लीट ही रह जा रहा है, लेकिन जितना बना है उससे 70-75 नंबर इजी वे में आ जाएगा, लेकिन एक वीडियो देखने के बाद 95-97 ला सकते हैं, और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पता है क्यों, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद 1 से लेकर 15 तक पूरा कंप्लीट, और मस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये नहीं कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, इस बार सेम टू सेम की गारंटी हम ये नहीं कह रहे आएगा, ठीक है, आ भी सकता है, लेकिन सुनो हम गारंटी क्या दे रहा है कि उसको देखने के बाद उस बेस पर अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे, तैयारी से पहले एक बार और तैयार, नहीं तो एग्जाम में पेपर देखने के बाद पछतावा होगा, पता है क्या कि यार हम पढ़ लिए होते ना सर वाला वीडियो तो पूरा का पूरा हमसे बन गया होता, ठीक है, तो इसीलिए एक बार प्लीज लास्ट बार आपसे हम बोल रहे हैं, जाकर के देखिए रिजल्ट दिखेगा आपका, परचम लहराएगा, ये मेरी गारंटी है, तो फिर उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, अगर मेहनत ऐसा लग रहा होगा कि आपके लिए हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और एक काम मेरे लिए कीजिएगा, मेरे बेनिफिट के लिए कीजिएगा, बताएं क्या,
इस वीडियो को प्लीज स्टेटस लगा दीजिएगा और लिखिएगा शेयर टू ऑल, यानी सबको शेयर कीजिए, इतना जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले सेशन में अपने छोटे छोटे भाई और बहनों को, ठीक है, बोलिएगा ज्ञापन एकेडमी से पढ़ाई करने के लिए। अगर समझ में आए पूरा प्लेलिस्ट खोल करके उनको समझा दीजिएगा अच्छा से। उर्दू के लिए विशेष व्यवस्था तो आप देखेंगे, उर्दू की किंग है मुस्कान मैम, ठीक है। एबास सर तो साइंस, पूरा साइंस के बारे में तो पूछना ही नहीं है, और वैसे भी मैराथन वीडियो। देखिए अब जो आप एग्जाम का तैयारी करेंगे ना, अब कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस आज मान लीजिए कि क्या है, आज मान लीजिए सपोज आपका हिंदी है, तो कल इससे एक दिन पहले आप हिंदी का पूरा एक मैराथन देख लीजिए। अगर मान लीजिए 16 फरवरी मैथ है, तो आप जब एग्जाम दे के आइए तो शाम को 15 फरवरी को पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का मैं जो प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए। बस हो गया तैयारी, क्योंकि आप तैयारी कर लिए है ना, एक दिन में जितना हो सकता है बस इतना ही हो सकता है, ठीक। SST का तो पूछिए ही मत, उसके लिए तो आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, 3D में फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले SST में आपको क्या करना है, इतिहास उठाना है, पूरा किताब का कहानी समझ लेना है, वो भी वीडियो में आपको दे दिए हैं। उसके बाद जब वो समझ गए तो ऑब्जेक्टिव टिक मारिएगा, उसके पीछे ही एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इतिहास का पूरा किताब की बात बता रहे। ऐसे करके प्लानिंग करके और बहुत आसानी से आप इजी वे में 450 55 60 ऐसे ला सकते हैं, पहले से अगर रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं और आपको लाने की इच्छा जाग रही है अंदर से, तो अगर बेहतर अपने आप को बनाना है तो। फिर मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।